नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया एंड फाइनली रिवीजन सेशंस आर गोइंग टू बिगिन। सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ऐसे ही मैं जितने भी अपने चैप्टर्स है सबका रिवीजन करवाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। पूरा का पूरा बुक जो मैजिक बुक है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। एट द सेम टाइम आपको ये बुक कहां से डाउनलोड करना है, फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको क्लिक करना है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट से webuket.in, वहां से भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज, ठीक है। प्लस इसके पीडीएफ का लिंक मैं नीचे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको गूगल ड्राइव लिंक भी शेयर कर लेता हूँ, सो यू कैन यूज दैट। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो स्टार्ट करते हैं अपन प्रीव्यू के साथ, ठीक है। ये चैप्टर में याद रखना, देखो ICAI मॉड्यूल है, केस स्टडी डाइजेस्ट है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, ये पांच चीजें आपको पूरी कंप्लीट करनी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर। खाली ICAI मॉड्यूल करोगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए अलग से आरटीपी में, केस स्टडी डाइजेस्ट में, तो वो कहां से करोगे। दैट्स द रीजन आई एम रिफरिंग दिस बुक, जहां पे मैंने सब चीज को कंबाइन कर दिया सो दैट इट बिकम्स बेनिफिशियल टू यू। चलो स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट विद दिस चैप्टर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। एक ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करेंगे तो क्या है एग्जैक्टली इस चैप्टर का थीम। चैप्टर का थीम कुछ ऐसा है कि आज की तारीख में सब कंपनीज कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, एंड एग्जैक्टली वहां पे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन अपने को बताता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है या इनएफिशियंट है, इन इफेक्टिव है इन द प्रोसेसेस थ्रू विच दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, देन इन दैट केस उन कंपनीज को लीन होने की जरूरत है। जहां पे यहां पे 6 टेक्निक्स दिया है लीन का। लीन 1 इज जस्ट इन टाइम, लीन 2 इज काइजेन कॉस्टिंग, लीन 3 इज 5S, लीन 4 इज TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, लीन 5 इज सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग एंड लीन 6 इज 6 सिग्मा। तो ये 6 टेक्निक्स ऑफ लीन को यूज करके आपको अपना वेस्ट मिनिमाइज करना है, आपको अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाना है। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है, एंड देयरफॉर दो और कॉन्सेप्ट प्रोसेस इनोवेशन एंड BPR बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को भी अपने बिजनेस में यूज करना है सो दैट यू कैन बी फुल्ली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। सो दिस इज अबाउट दिस प्रीव्यू। सो लीन सिस्टम इनोवेशन एंड BPR विल गिव यू दिस चैप्टर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। क्या करना है अपने को, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं 7 वेस्ट। तो ये वेस्ट क्या है जिसकी वजह से आपके प्रोसेस इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सो रिमूव देम। वो करने के लिए आपको क्या क्या यूज करना है, जस्ट इन टाइम, जहां पे अपन कॉन्सेप्ट, प्रीरिक्विजिट्स, इंपैक्ट, परफॉर्मेंस सब चेक करेंगे। सेकेंड इज योर काइजेन कॉस्टिंग, देन कम्स योर लीन 3 5S, लीन 4 टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, लीन 5 में अपन करेंगे सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है रोका रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, एंड लास्ट में है लीन 6। सो चलो लेट्स स्टार्ट। सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीन सिस्टम कैसे करेंगे आप, सो यू हैव टू मिनिमाइज द वेस्ट, क्योंकि वेस्ट से आपको कोई वैल्यू एडिशन तो मिलने नहीं वाला है, सो वेस्ट मिनिमाइज करना है, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। सो विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो, ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो मतलब सिस्टमैटिकली पहले मशीन 1 फिर मशीन 2 से मशीन 3 में काम जाना चाहिए, मशीन 3 से मशीन 4 में, मशीन 4 से मशीन 5 में, एंड फाइनली आपका फिनिश गुड प्रोड्यूस होगा, फाइनली सेल होगा आपके कस्टमर को। सो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो। सो जो भी आपके वर्क के प्रोसेसेस है उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करने को कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लो। सो 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको लीन करने के लिए, क्या, वेस्ट मिनिमाइजेशन विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी। तो क्वालिटी को सैक्रिफाइस नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं प्रोडक्ट ए बनाने के लिए सपोज कोई रॉ मटेरियल जेड यूज कर रहा हूं, अब मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं रॉ मटेरियल वाई के साथ विच इज अ चीपर सब्स्टिट्यूट और क्वालिटी भी खराब है, नहीं, क्यों, मेरे को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। सो विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्टिमाइजिंग वर्कफ्लो काम सिस्टमैटिकली होना चाहिए। तो ये वेस्ट रिमूव करने के लिए क्या करोगे आप, 2 चीजों के ऊपर ध्यान दोगे, एक वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, दूसरा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कम करना है, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना है। द मोमेंट यू डू दैट
इसका मतलब आप लीन सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। देखो एक अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में यूज करूँ ना, तो लीन का मतलब होता है कि अनवांटेड चीजें रिमूव कर देना। जैसे अगर आप अपने आपको देखोगे अपने शरीर को, देन इन दैट केस अगर आप मोटे हो तो आप अपने फैट्स को रिमूव करना चाहोगे तो उसको कहते हैं लीन बनाना अपनी बॉडी को। बस एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अनवांटेड फैट की तरह होती है, उनको रिमूव करने को कहते हैं लीन सिस्टम। ये लीन सिस्टम इंप्लीमेंट करने के ये होते हैं 7 टेक्निक्स ऑफ लीन जो अब अपन आगे पढ़ेंगे। बट उसके पहले पता तो करे कि मेरा जो अनवांटेड फैट है बॉडी में या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में मेरे अनवांटेड चीजें क्या है, उसको कहते हैं 7 वेज ऑफ लीन, जिसका मैंने यहां पे एक शॉर्ट फॉर्म बनाया जिसको कहते हैं टिम वुड। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेंटरी, एम स्टैंड्स फॉर मोशन, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेटिंग टाइम, ओ स्टैंड्स फॉर ओवर प्रोसेसिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ओवर प्रोडक्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्ट। एक-एक को फटाफट एनालाइज करते हैं कम। तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि अन्य ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट का मतलब होता है अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पार्ट्स और मशीन्स बिटवीन प्रोसेसेस। देखो मैंने ना अभी आपको यहां पे बताया था कि एक ऑप्टिमाइज्ड वर्क फ्लो होना चाहिए, इसका मतलब द मशीन शुड बी अरेंज सिस्टमैटिकली। बट कई बार जो फैक्ट्री है उसका लेआउट सही ना होने की वजह से मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, एंड जिसकी वजह से समझो मेरा एक कोई पार्ट, समझो ड्रिलिंग वाला काम मेरा हो गया, उसके बाद मेरे को असेंबली के काम के लिए जाना है, तो अनवांटेड मूवमेंट होता है। इफ द मशीन्स आर अरेंज प्रॉपरली देन इन दैट केस ये काम फास्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरा एक ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट होता है कि वेयरहाउस, कई बार जो सप्लायर है ना वो सप्लायर आपके वेयरहाउस में ट्रांसफर करेगा, फिर ट्रांसफर वेयरहाउस से ट्रांसफर करके आप आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे लाओगे। उससे अच्छा अपन उसको बोलेंगे भाई तू डायरेक्टली प्रोडक्शन फ्लोर पे ही ले आना, कि वो हम पहले वेयरहाउस से ट्रांसपोर्ट करके हमारे फैक्ट्री के प्रोसेस पे ले आए, फिर उसको प्रोसेसिंग करे। सो ये सब होता है ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पार्ट्स और मशीन बिटवीन प्रोसेसेस, एलिमिनेटिंग द नीड एंड इंप्रूविंग द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ बेटर ऑप्शन। सो या तो अपना सब चीज ऑटोमेट कर दो ताकि डायरेक्टली पर्सन को कहीं पे भी जाना ना पड़े एंड सिस्टमैटिकली काम हो जाए, मालूम है कन्वेयर बेल्ट होते हैं, असेंबली लाइन होता है, एक तो उसको यूज कर लो। दूसरा एलिमिनेटिंग द नीड, तो सप्लायर को बोला भाई तू डायरेक्ट वेयरहाउसिंग में मत भेज, हमारे प्रोडक्शन शॉप फ्लोर पे ही भेज दे, समझे। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। सेकेंड होता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब अनवांटेड एक्स्ट्रा इन्वेंटरी रख के कोई मतलब नहीं है, जैसे WIP हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो आपने एक्सेसिव रॉ मटेरियल मंगा लिया अपने सप्लायर के पास से, अब उसको स्टोर करना पड़ेगा, प्लस स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, उसके अलावा जो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा वो होगा, प्लस अगर वो रॉ मटेरियल ऑब्सोलीट हो गया या काम का नहीं है, देन इन दैट केस ऑल्सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो ये सब हैविंग मोर then required raw material WIP will be a waste for us, deteriorate ho jayega over time and unnecessarily takes up space. Third hai M. M is movement of men and material in the processes. So movement of unnecessary movement of people. कई बार फैक्ट्री में दो तीन फ्लोर होते हैं, ठीक है, अब अगर आपका सिस्टमैटिक वर्क फ्लो नहीं है देन इन दैट केस एक जो लेबरर है वो फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहा है, मालूम पड़ा मशीन 2 का लेबरर सेकंड फ्लोर पे है, फिर उसके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए आप वहां पे जाओ, या फिर कई बार आपको कोई स्क्रू चाहिए या कोई टूल्स एंड स्पेयर्स चाहिए तो वो आपका कोई एकदम अलग कोने पे पड़ा है, तो वहां से आपका जो वर्कर है वो मशीन 1 पे काम कर रहा है एट वन साइड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द फैक्ट्री, आपके जितने भी टूल्स एंड स्पेयर्स है दैट इज एट द अदर साइड, तो वो वहां पे जाएगा टूल्स लेकर आएगा फिर यहां पे आएगा वापस, तो क्या हो रहा है अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आपका जो वर्क फ्लो है वो सही तरीके से अरेंज कर दो, प्लस जो टिपिकल हाउसकीपिंग की टूल्स स्पेयर्स की चीजें वो हर एक मशीन के आसपास में थोड़ा बहुत रख लो, सो दैट इट कैन बी कंज्यूम विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। सो मोशन वेस्ट कम हो जाएगा, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल, इंप्रूविंग वर्क प्लेस लेआउट, प्रैक्टिसिंग गुड हाउसकीपिंग एंड वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंट्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट ऑटोमेशन। सो जो कन्वेयर बेल्ट और वो सब मैंने बताया था इज अ पार्ट ऑफ लो कॉस्ट ऑटोमेशन। फिर आता है वेटिंग पीरियड। अगर आपके मशीन सिंक्रोनाइज नहीं है, इन द सेंस एक मशीन आपका 1 घंटे में प्रोड्यूस कर रहा है 200 यूनिट्स, दूसरा मशीन आपका प्रोड्यूस कर रहा है 300 यूनिट्स,
एक मशीन आपका प्रोड्यूस कर रहा है ओनली 50 यूनिट्स, देन इन दैट केस क्या होगा, देर इज मिस सिंक्रोनाइजेशन, एंड एक जो जिसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो तो ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा, बट जो दूसरा कनेक्टिंग मशीन है उसमें इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, WIP बिल्डअप होना चालू हो जाएगा, वेट करना पड़ेगा बिफोर ऑल ऑफ द मटीरियल कैन बी प्रोसेस, सो उसको कहते हैं वेटिंग टाइम। सो वेटिंग किसके लिए करना पड़ता है, फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन सेटअप। बैड प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग या कंट्रोल, कई बार आपका जो लेबरर है वो भी ट्रेन प्रॉपरली नहीं होता है, जिसकी वजह से ही हैज टू वेट। तो समझो मशीन वन के लेबरर ने काम कर लिया, फिर मशीन टू का जो लेबरर है उसको कई बार ट्रेनिंग नहीं मिला होता है, ही इज वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन, ये चीज नहीं होना चाहिए, दैट इज योर वेस्ट कॉल्ड एज वेटिंग टाइम। ओवर प्रोसेसिंग, अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज करना जिसको कस्टमर वैल्यू नहीं करता है उसको कहते हैं ओवर प्रोसेसिंग। आप कभी शर्ट खरीदने को जाओगे और अगर समझो आपने शर्ट खरीदा, तो आप शर्ट उसके डिजाइन के बेसिस पे, उसके कपड़े का क्वालिटी कितना अच्छा है उस बेसिस पे खरीदते हो, ना कि बहुत अगर उसके ऊपर एक्सेसिव पैकिंग किया है और एकदम मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है पैकेजिंग के लिए, सो इट इज अ वेस्ट, ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हो जिसको कस्टमर वैल्यू नहीं करेगा, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यहां पे बोला है अननेसेसरी वर्क एलिमेंट इज योर ओवर प्रोसेसिंग, इंक्रीजेस बिजनेस कॉस्ट, तो आपने पैकेजिंग किया उसका कॉस्ट लग गया आपको, अननेसेसरी उतना पैकिंग का टाइम गया, उतना प्रोसेसिंग गया, एंड नॉट रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, भाई वो कोई पैकिंग से इंप्रेस नहीं होने वाला है, वो पैकिंग होने वाला है उसके शर्ट के क्वालिटी और उसके डिजाइन से। फिर आता है ओवर प्रोडक्शन सिमिलर टू योर इन्वेंट्री, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ऐसा सोचो ना, आपने बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन कर दिया और अचानक से ये कोविड जैसी बीमारी वापस आ गई, तो आपका तो पूरा प्रोडक्शन धरा का धरा रह जाएगा, एंड ऐसा ही कुछ हुआ था कोविड के टाइम पे टू अ लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज, जहां पे उन्होंने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, गॉट वेस्टेड। सो अगर आपका प्लानिंग या फोरकास्टिंग बराबर नहीं निकला तो आपका ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन टू ओवरहेड कॉस्ट, ऑब्सोलीट हो जाएगा इफ नॉट रिक्वायर्ड लेटर। समझो आपने प्रोडक्शन कर दिया और अभी अगर उसकी जरूरत बाद में, समझो क्लोथिंग वाला है, उसने बहुत सारे शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर दिए, बाद में आउट ऑफ फैशन हो गया वो, देन इट बिकम्स अ वेस्ट। एंड लास्ट है आपका डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स का मतलब नॉट मेकिंग द राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम। सो अगर आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया, देन इन दैट केस वापस से उसके ऊपर रीवर्क करना पड़ेगा, कई बार स्क्रैप हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा टाइम, नो सेंस व्हाटसोएवर। सो पुअर प्रोडक्ट या क्वालिटी ऑफ सर्विस बनाया तो रिवर्क करना पड़ेगा, डिफेक्टिव पार्ट्स बन गए तो कस्टमर कंप्लेन करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये जितने भी आपको 7 वेस्ट दिख रहे हैं ना, ये सब मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड मेरे को ये मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, एंड इसके लिए मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं द सिस्टम ऑफ लीन। जो क्या बोलता है, जो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, वो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है PWCF, मतलब परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, यानी डिफेक्ट हमको चाहिए ही नहीं। वेस्ट मिनिमाइजेशन, अपन ने यहां पे देखा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्स, वेस्ट ऑफ लेबर, चाहिए ही नहीं वो सब। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है इंप्रूव कर दो उसको इमीडिएटली, एंड फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज, यानी अगर आपको कोई सिस्टम को चेंज करना है तो आप फटाफट उसको कर पाओ, ऐसे अपने प्रोसेस को डेवलप करो। तो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ लीन, PWCF, पी परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, डिफेक्टिव मत निकालो, W वेस्ट मिनिमाइजेशन, C कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, F फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज। अगर आपको कुछ चेंज करना है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो बहुत बड़ा उसके लिए प्रोसेस नहीं होना चाहिए, फटाफट यू शुड बी एबल टू डू इट। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन सिस्टम, ZCP, Z2C2P, Z स्टैंड्स फॉर 0 इन्वेंट्री रखना है, 0 वेटिंग टाइम रखना है। सो ये देखो, जैसे ही मैंने 0 इन्वेंट्री बोला ये वेस्ट बार, जैसे ही मैंने वेटिंग टाइम 0 बोला ये वेस्ट बार, बराबर की नहीं। एंड देन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। सो अगर यहां पे देखो अपना जो वेटिंग टाइम है, मोशन है, ये सब की वजह से कंटिन्यूअस फ्लो अफेक्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए। एंड पुल प्रोसेसिंग होना चाहिए जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम, वो बस अभी अपन पढ़ेंगे। इसका मतलब कि प्रोड्यूस ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, आपने यहां पे जो ओवर प्रोडक्शन किया है ना वो मत करो,
फुल प्रोसेसिंग बोलते हैं, जब आपको डिमांड आया बस उतना प्रोडक्शन कर दो, काम हो गया, ठीक है। सो दिस इज टिमवुड, एंड ये टिमवुड को एलिमिनेट करने के लिए वी विल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लीन, जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ लीन है PWCF एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन है Z2C2P. आई होप वी आर क्लियर टिल हियर, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो एक बार वापस से, लीन सिस्टम क्या होता है? वेस्ट मिनिमाइजेशन विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमाइजिंग वर्कफ्लो, फोकसेस ऑन वेस्ट मिनिमाइजेशन। मेरे दो एक्टिविटीज होता है, वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड। नॉन वैल्यू एडेड को रिमूव करना है, वैल्यू एडेड को इंक्रीज करना है। मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ लीन है 4, विच इज परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी, वेस्ट मिनिमाइजेशन, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, एंड एक है फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे लीन के कैरेक्टरिस्टिक्स है ZCP, Z इज जीरो वेटिंग टाइम, जीरो इन्वेंट्री, C है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, कंटिन्यूअसली फाइंडिंग वे ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस टाइम, एंड लास्ट है मेरा पुल प्रोसेसिंग। कंबाइन करके मेरे को एंश्योर करना है कि मैं यहां पे जो टिम वुड है उसको रिमूव कर दूं। क्या है मेरा टिम वुड? ट्रांसपोर्टेशन एलिमिनेट करना है, इन्वेंट्री WIP, FG, जो भी मेरा रॉ मटेरियल है अननेसेसरी है, नहीं चाहिए, मोशन ऑफ पीपल नहीं होना चाहिए, वर्कफ्लो ऑर्गेनाइजेशन बराबर अरेंज करो, W वेटिंग टाइम, अगर मशीन का प्रोसेसिंग और लेबर का ट्रेनिंग बराबर है देन इन दैट केस प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओवर प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए, जो कस्टमर को नहीं चाहिए वो उसको मत दो, ओवर प्रोडक्शन, डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग बिफोर डिमांड इज क्रिएटेड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी बनाना ही नहीं है। चलो ये सब को रिमूव करने के लिए टेक्निक्स ऑफ लीन सिस्टम है। सबसे पहला सिस्टम है जस्ट इन टाइम, लीन 2 है मेरा काइजेन कॉस्टिंग, लीन 3 है 5S, लीन 4 है मेरा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, लीन 5 है मेरा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, लीन 6 है मेरा सिक्स सिग्मा। सबसे पहले आते हैं लीन 1 के ऊपर, विच इज योर जस्ट इन टाइम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। एग्जाम में देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इसमें से क्वेश्चन आएगा, जस्ट इन टाइम में से क्वेश्चन आएगा। केस स्टडी डाइजेस्ट में भी इंस्टीट्यूट ने जस्ट इन टाइम के ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली डाले, सो दैट शोज द इंपॉर्टेंट। जस्ट इन टाइम का मेन मोटिव क्या होता है? स्ट्रीमलाइन अ कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस टू सिस्टमैटिकली ड्राइव ऑल वेस्ट आउट ऑफ द प्रोसेसेस। तो उसका अगर आपको एक डेफिनेशन लिखना है तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोड्यूस और प्रोक्योर प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर। इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है JIT परचेजिंग, दूसरा होता है JIT प्रोडक्शन। एवरीबॉडी ध्यान से सुनो, क्या बोला? एक होता है JIT परचेजिंग, दूसरा होता है JIT प्रोडक्शन। JIT परचेजिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल तभी परचेज करो जब आपको प्रोडक्शन टीम बोल रही है। JIT प्रोडक्शन क्या बोलता है कि प्रोडक्शन तब भी चालू करो जब आपको सेल्स टीम बोल रही है, क्योंकि उन्होंने डिमांड जनरेट किया। तो अब सिस्टमैटिकली समझना, JIT में सबसे पहले क्या होगा? कस्टमर डिमांड जनरेट करेगा, तो सेल्स टीम कस्टमर को डिमांड जनरेट करवा के प्रोडक्शन टीम को बोलेगी कि भाई इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। जैसे ही इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पता चलेगा तो JIT प्रोडक्शन सिस्टम चालू होगा, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। प्रोडक्शन करने के लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत लगेगी तो वो जाएंगे परचेसिंग डिपार्टमेंट के पास। JIT परचेसिंग डिपार्टमेंट विल स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन टीम ऑथोराइज करता है कि हाँ हमको ये सारे रॉ मटेरियल और कंपोनेंट चाहिए, जिससे JIT अचीव हो जाता है, विच इज ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस और प्रोक्योर प्रोडक्ट्स और कॉम्पोनेंट। सो प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, प्रोक्योर कॉम्पोनेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर। फटाफट देखते हैं JIT प्रोडक्शन सिस्टम ड्रिवन बाय डिमांड फॉर फिनिश गुड। याद रखना JIT प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड विद फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन, JIT परचेसिंग इज कंसर्न्ड विद रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। सो JIT प्रोडक्शन सिस्टम ड्रिवन बाय डिमांड फॉर फिनिश गुड्स वेयर कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन नीडेड। एंड मेरा जस्ट इन टाइम प्रोसेसिंग क्या है? वेयर RM परचेसेस आर कॉन्ट्रैक्टेड टू Coincide receipt and usage of material. इसका मतलब जब मेरे को प्रोडक्शन करना है तब भी मैं रॉ मटेरियल लेकर आऊंगा। ये तीनों को कंबाइन करके होगा क्या? ये तीनों को कंबाइन करके आ जाएगा मेरा पुल सिस्टम, जिसको कहते हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम। वॉट इज दिस? स्ट्रीमलाइन। इससे क्या होगा? कंपनी का जो प्रोडक्शन प्रोसेस एक्टिविटीज है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो स्ट्रीमलाइन अ कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस एक्टिविटीज टू सिस्टमैटिकली ड्राइव आउट ऑल वेस्ट ऑफ द प्रोसेस।
समझ गए? सो जस्ट इन टाइम का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ये तीनों को कंबाइन करके क्या इजीली अपन लिख पाएंगे? यस सर। अब आते हैं जस्ट इन टाइम के प्रोसेस के ऊपर। तो जस्ट इन टाइम का जो टोटल प्रोसेस है ना, ये एज इट इज मैंने मॉड्यूल से उठाया, इसको अपन ने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है कि अगर कोई स्पेयर पार्ट या रॉ मटेरियल चाहिए अपने को, तो अपन सप्लायर को एग्जैक्टली तभी बोलेंगे व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। फटाफट अभी एक मेरा सिस्टम समझने की कोशिश करो, ठीक है? सो सिस्टम क्या होता है, पहले सेल्स डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिमांड जनरेट करेगा। जैसे ही डिमांड जनरेट होगा, प्रोडक्शन टीम विल स्टार्ट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो वो परचेसिंग डिपार्टमेंट को बोलेगा। परचेसिंग डिपार्टमेंट विल कॉल द सप्लायर्स एंड सप्लायर्स को बोलेगा भाई एग्जैक्टली इतने क्वांटिटी का रॉ मटेरियल मेरे प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर ड्रॉप कर दे, ताकि ऐसा ना हो जाए पहले वेयरहाउसिंग में जाए फिर ट्रांसपोर्ट करके अपन इधर लाए। रिमूव ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड, सप्लायर सीधा का सीधा मेरे प्रोडक्शन फ्लोर पे लेकर आ जाएगा एग्जैक्टली जितना मैंने उसको बोला है क्वांटिटी उतना एग्जैक्टली, तभी जब मैं उसको बोलूंगा कि मेरे को मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। पहला स्टेप, स्पेयर पार्ट और मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स ऑन द एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे आर नीडेड। इन्वेस्टिगेट एवरी सप्लायर एंड इंश्योर दैट दे कीप अप टू द डिलीवरी डेट। देखो जस्ट इन टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना सप्लायर के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो। अगर सप्लायर ने कोई डिले किया तो आपको परचेज लेट मिलेगा, आपका प्रोडक्शन डिले हो जाएगा। सो ये बोल रहे हैं बोलो कि इन्वेस्टिगेट करते रहना कि आपका सप्लायर उतना एफिशिएंट है ना कि जब आप बोलो और जितना आप बोलो उतना वो आपको डिलीवर कर दे। समझ गुरु? डन। जैसे ही वो अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे मेरे को रख देगा, सो स्ट्रेट डिलीवरी टू द प्रोडक्शन फ्लोर फॉर इमीडिएट यूज इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस, सो देयर इज नो टाइम टू इंस्पेक्ट। टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ने जस्ट इन टाइम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। टोयोटा क्या करता था बताया कि अपने खुद के सप्लायर के मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जाता था और उनको बोलता था कि तुम लोग भी TQM अप्लाई करो। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि टोयोटा का मानना था कि अगर सप्लायर ने रॉ मटेरियल खराब दिया तो हमारा जो आउटपुट है वो भी खराब निकलेगा। दूसरा टोयोटा बोलता था कि सप्लायर से जो भी रॉ मटेरियल आएगा ना, हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे ही नहीं, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि सप्लायर हमको जो रॉ मटेरियल दे रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का ही देगा। अब रीड करो, स्ट्रेट डिलीवरी टू द प्रोडक्शन फ्लोर फॉर इमीडिएट यूज इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, सो दैट देयर इज नो टाइम टू इंस्पेक्ट इनकमिंग पार्ट्स फॉर डिफेक्ट्स। थर्ड, विजिट अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक बार उसको विजिट करके आएगा ताकि अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो अपन दे पाए। थर्ड पॉइंट वो बोलता है। फोर्थ पॉइंट इज इंस्टॉलेशन ऑफ EDI सिस्टम, मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम अपन अपने फैक्ट्री में रखेंगे, एट द सेम टाइम सप्लायर के फैक्ट्री में भी डाल देंगे, ताकि मेरे पास अगर प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट आया एंड मेरे को कुछ एक्स वाई जेड क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो मैं इमीडिएटली मेरे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या टेक्नोलॉजिकली लैपटॉप में एंटर करूंगा, उसके पास सप्लायर के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके इतना क्वांटिटी चाहिए, ये डेट पे चाहिए, वो मेरे को डिलीवर कर देगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? By installation of EDI system, dropping of product at specific machines that will use them first, इसमें कोई problem नहीं है। फिर बाद में यहाँ पे कुछ setup times के लिए बोला है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। Setup times को reduce करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि समझो आपने production किया, तो ये लोग video taping करेंगे उसको, मतलब एक्चुअली वीडियो लेंगे कि हम लोग का पूरा प्रोसेस में क्या क्या हुआ, और वो वीडियो टेप में देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो टेप में अपने को यह भी पता चलेगा कि अगर कोई डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहा है, कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम है, कोई प्रोसेस बहुत बड़ा है, तो उसको अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। शॉर्टन सेटअप टाइम्स। अब इसमें क्या होता है कि जितना जल्दी अपन प्रोडक्शन करेंगे उतना जल्दी प्रोडक्ट फाइन फिनिश गुड मिलेगा and we will be able to give it to our customer. So, अभी जो मैंने आपको explain किया उसके बारे में यहाँ पे सब वही points लिखा हुआ है। फिर आता है major change required in workforce. आपका जो workforce है ना, उसको अब खाली एक ही काम नहीं करना है। पहले क्या होता था कि भाई अगर कोई drilling का काम कर रहा है तो बस खाली drilling ही आता है उसको, अगर कोई packing का काम कर रहा है तो उसको खाली packing ही आता है। अब ऐसा नहीं है, आपका जो laborer है उसको multiple काम भी आना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मशीन में कोई छोटा मोटा इश्यू आता है या एरर आता है, ही शुड बी एबल टू मैनेज दैट ऑल्सो। सो दैट इज वेयर अपन उसको बोलेंगे कि भाई जो तुम्हारा वर्कर है ना, दैट वर्कर शुड बिकम वेरी प्रोफिशिएंट। सो मेजर चेंज इन वर्कफोर्स
अपने उसको ट्रेनिंग देना है सो दैट वो अलग अलग मशीन्स पे काम कर सके, एंड अगर कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट एरर आया है ही कैन इंश्योर कि वो उसको प्रॉपरली सही कर दे। एंड फाइनली ये सब को इंप्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू यूज बैक फ्लशिंग सिस्टम, जो अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सो अब आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार ये आठों आठ पॉइंट्स को गो थ्रू कर लो, एक्सप्लेनेशन वाइज मैं दे चुका हूं। वी विल मूव ऑन टू सम मोर फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ JIT सिस्टम। अब जब अपन ने जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंट कर दिया है, उसके फ्लो को समझ लिया है, लेट्स अंडरस्टैंड सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है आपका लेस स्पेस फॉर स्टॉक, बिकॉज अब आपको ना रॉ मटेरियल एडवांस में मंगाना है ना आपको ओवर प्रोडक्शन करना है, तो वो दोनों चीजें खत्म हो जाएगी। आपका रॉ मटेरियल सीधा शॉप फ्लोर पे आएगा, जैसे ही आपका प्रोडक्शन हो गया सीधा आप कस्टमर को डिस्पैच कर दोगे। सो अनवांटेड स्पेस यू डोंट वांट, वेयरहाउसिंग स्पेस आपका बच जाएगा, लेस स्पेस फॉर स्टॉक। एंड ये लेस स्पेस फॉर स्टॉक की जगह से कनेक्शन देखना, आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है उसको भी आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आपका वेयरहाउसिंग रेंट भी बच जाएगा, समझे। सेन है रिस्पॉन्स क्विकली टू चेंज इन डिमांड, बिकॉज जस्ट इन टाइम में आप जब आपका कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है फिर आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, सो अगर कस्टमर के कुछ स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन है वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। क्लोज रिलेशनशिप विद सप्लायर, जस्ट इन टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है अपना सप्लायर, सो ही हैज टू बी इन क्लोज रिलेशनशिप विद अस। चैप्टर नंबर 2 में एक कॉन्सेप्ट है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, वहां पे सप्लायर को इक्विटी पार्टनर भी बनाया गया है, इस एक्सटेंड तक सप्लायर इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम, बिकॉज अगर उसने डिले किया अपना प्रोडक्शन डिले होगा, अगर वो टाइम पे देगा वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस स्मूथली। एंड कैपिटल अवेलेबिलिटी, जैसा मैंने बोला कि अभी अगर अपना रॉ मटेरियल में या प्रोडक्शन की वजह से जो पैसा अटक रहा था, वेयरहाउसिंग स्पेस में जो मेरा पैसा अटक रहा था वो सब फ्री हो जाएगा, मैं उसको मेरे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करूंगा, तो जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है दैट विल बी यूज फॉर मेनी अदर थिंग्स। फिर आता है मेरा डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिलेड प्रोडक्शन इफ डिलेड बाय सप्लायर, सप्लायर डिले करेगा गॉन। लॉस सेल्स, ये एकदम समझना जरूरी है, कई बार समझो अगर आपके पास एकदम अचानक से बहुत बड़ा डिमांड आ गया, से 500 यूनिट्स का आपके पास डिमांड आ गया, आपका सप्लायर बोलता है नहीं मेरे पास तो 400 यूनिट जितना ही कैपेसिटी है उतना ही मैं आपको दे पाऊंगा, ठीक है भाई जितना है उतना दे दे, पर जो 100 यूनिट्स नहीं कर पाए अपन लोग वो कस्टमर कहीं और से ले लेगा, वो क्या हो जाएगा मेरा लॉस सेल्स। इंक्रीज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एडमिन कॉस्ट, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मेरा ऑर्डरिंग एंड एडमिन कॉस्ट, बिकॉज समझो एक दिन में 3 ऑर्डर आ गए तो 3 बार मैं सप्लायर को बोलूंगा चल माल भेज, तो बार बार वो भेजेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेगा तो वो अपने से, सो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा, प्लस पेपर वर्क मेरे को 3 बार करना पड़ेगा, एडमिन कॉस्ट उतनी बार बढ़ जाएगा। एंड लास्ट है ओवर डिपेंडेंस ऑन सप्लायर, तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव है कि फॉर योर बिजनेस यू हैव टू बी ओवर डिपेंडेंट ऑन अ एक्सटर्नल पार्टी, सो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद आता है एसेंशियल्स ऑफ JIT, एसेंशियल्स ऑफ JIT मतलब अगर आपको JIT आपके फैक्ट्री में इंप्लीमेंट करना है देन इन दैट केस आपके पास ये चीजें होनी चाहिए रेडी। क्या? सबसे पहला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जो मशीनरी है वो खराब नहीं होना चाहिए, मतलब आप उसको बार बार ठीक कराते रहो, इवन दो वो खराब नहीं हुआ है तो फिर भी आपको उसकी देखरेख पहले से करके रखनी है, बिकॉज अगर वो मशीन को कुछ हुआ देन योर प्रोडक्शन विल गेट हॉल्टेड, ठीक है। सो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब मशीन को बार बार इवन दो वो ठीक है फिर भी उसका चेकअप करवाते रहो, सो दैट देर इज नो डिले और ब्रेकडाउन इन प्रोडक्शन। डिफेक्ट फ्री मटेरियल, मेरे पास जो रॉ मटेरियल आया वो डिफेक्ट फ्री आना चाहिए, सप्लायर उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं उसका इंस्पेक्शन नहीं कर पाऊंगा, सीधा शॉप फ्लोर पे आएगा, प्रोडक्शन विल स्टार्ट। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट कि जो भी मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं दैट हैज टू बी परफेक्ट, फर्स्ट टाइम परफेक्ट क्वालिटी निकलेगा बिकॉज प्रोडक्शन होते ही सीधा मेरे को कस्टमर को डिलीवर करना है। डिमांड स्टेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गया 1000 यूनिट्स का डिमांड, दूसरे दिन एक भी डिमांड नहीं है, तीसरे दिन 5000 यूनिट का डिमांड, चौथे दिन कुछ भी नहीं है, इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए बिकॉज फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आपके सप्लायर को भी क्लैरिटी नहीं आएगा कब उसको कितना रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। गुड कम्युनिकेशन विद द सप्लायर वेरी मच नेसेसरी। वेंडर रिलायबिलिटी, वेंडर मतलब आपका सप्लायर, सप्लायर के ऊपर आप रिलाय कर सके हो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। लो वेराइटी ऑफ गुड्स, बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ गुड्स नहीं चलेगा ना, बिकॉज इधर मालूम, अभी देखो आप एक एग्जाम्पल देता हूं,
एप्पल मोबाइल फोन आपको पता होगा, एप्पल कंपनी यूजेस जस्ट इन टाइम बिकॉज एक टाइम पे एप्पल एक ही फोन बनाता है। अगर उसका एप्पल आईफोन 12 है तो वो पूरा फोकस आईफोन 12 पे ही है, आईफोन 14 आया आईफोन 14 पे ही पूरा फोकस रहेगा। यही अगर आप सैमसंग देखोगे तो सैमसंग A1 A2 A3 X1 X2 X3 C1 C2 कितने सारे। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर सैमसंग टू अप्लाई जस्ट इन टाइम बिकॉज इतने वेराइटी ऑफ गुड्स अगर होंगे देन इन दैट केस अगेन आपका सप्लायर के पास वो सब पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबिलिटी होना कैन बी अ चैलेंज। सो बेटर होगा कि लो वेराइटी ऑफ गुड्स हो। तो अगर आप ये क्राइटेरिया के ये क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, डिफेक्ट फ्री मटीरियल, TQM, डिमांड स्टेबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन, वेंडर रिलायबिलिटी, लो वेराइटी ऑफ गुड्स, गो अहेड विद JIT, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम क्या है JIT का? मीटिंग कस्टमर डिमांड टाइमली, कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना है एट लोएस्ट कॉस्ट। ये तो एक मैं बोल रहा हूं जनरल, हर कंपनी यही चाहती है कि वो कस्टमर डिमांड को टाइमली केटर कर सके, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए एट द चीपेस्ट कॉस्ट पॉसिबल। फिर आता है इंपैक्ट ऑफ JIT सिस्टम। सबसे पहला इंपैक्ट ये है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्ट कॉस्ट। सो वेस्ट कॉस्ट में क्या आता है, आपका अगर कोई एसेट वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी उसके ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं अपन लोग, ये सब चीजें कम हो जाएंगी जिससे मेरा ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगा। सो JIT रिड्यूसेस वेस्ट ऑफ एसेट्स, एक्सेसिव इन्वेंट्री, डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑन द स्पॉट कस्टमर के स्पेसिफिकेशन से ही बन रहा है, रॉ मटेरियल भी एकदम टॉप क्वालिटी का सीधा मेरे पास आएगा। सो रिजल्टिंग इन शार्प ड्रॉप इन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, ये हो गया। दूसरा है बेटर प्रोडक्ट प्राइसेस, क्वालिटी अपन लोग देंगे इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर मेकिंग, सो हाई प्रोडक्ट क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, जिससे वी विल बी एबल टू चार्ज प्रीमियम प्राइसिंग। ध्यान से समझना, अगर आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हो। मैंने अभी आपको एप्पल का एग्जांपल दिया था कि एप्पल जस्ट इन टाइम यूज कर रहा है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है, प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर रहा है। एंड लास्ट है आपका लो ओवरहेड कॉस्ट, मटीरियल हैंडलिंग आपका कम हो जाएगा, जितने भी आपके यहाँ पे आपको जो वेयरहाउस से लेकर यहाँ पे आने का जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट था वो कम हो जाएगा, इंस्पेक्शन आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सप्लायर ही आपके लिए इंस्पेक्शन कर रहा है, वेयरहाउस स्पेस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रेंटल कम जाएगा आपका, ये सबसे ओवरहेड कॉस्ट कम, एंड ये इंपैक्ट है जस्ट इन टाइम का। क्या वेस्ट कॉस्ट कम, जैसे एक्सेसिव इन्वेंट्री, एक्सेसिव यूसेज ऑफ एसेट्स, वो सब के जो कॉस्ट है वो कम, बेटर प्रीमियम प्राइसिंग, क्यों, क्योंकि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा हूं जस्ट इन टाइम यूज करके तो मैं प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करूंगा, लो ओवरहेड कॉस्ट क्योंकि मेरा वेयरहाउस कॉस्ट, मेरा रेंटल कॉस्ट, मेरा मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मेरा इंस्पेक्शन कॉस्ट, सब डेफिनेटली कम हो जाएगा। व्हाट आर द फीचर्स, ये तो एक बार आप लोग रीड कर सकते हो, रिड्यूस्ड मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट बिकॉज अब मेरे को मटीरियल हैंडल करना ही नहीं, डायरेक्टली शॉप फ्लोर पे ही मेरा मटेरियल आ रहा है, रिड्यूस्ड लेबर आइडल टाइम, दे विल प्रोड्यूस ओनली एज मच रिक्वायर्ड, तो उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, एलिमिनेट्स डिफेक्ट्स, फोकस ऑन क्वालिटी है इसलिए, फास्टर रिस्पॉन्स टू कस्टमर डिमांड, एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स वेरी मच नेसेसरी, जो भी आप सप्लायर चूज कर रहे हो हैज टू बी परफेक्टली ट्रेन्ड। एंड अब अपन लोग आते हैं, तो ये एक पॉइंट्स जो भी पॉजिटिव्स थे मेजरली जस्ट इन टाइम के वो अपने हो गए, एंड नाउ वी आर कमिंग टू इश्यूज ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के दो मेजर इश्यूज है जिसकी वजह से दो और कॉन्सेप्ट बॉर्न हुए। तो क्या एग्जैक्टली है ये इश्यू, आइए लेट्स रीड देम। JIT इश्यूज, डिफरेंट स्पीड ऑफ मशीन्स, स्पीड ऑफ टू मशीन्स क्रिएट्स टू इश्यूज, वन इन्वेंट्री बिल्डअप इन फ्रंट ऑफ स्लो मशीन। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक मशीन बना रहा है 50 यूनिट्स, दूसरा मशीन बना रहा है 100 यूनिट्स, तीसरा मशीन बना रहा है 150 यूनिट्स, ठीक है। अब जो 150 यूनिट्स बना रहा है उसके आगे 100 यूनिट्स ऑब्वियसली वो कम पड़ेंगे, 100 के आगे 50 यूनिट्स ऊपर नीचे हो जाएगा। सो बिकॉज डिफरेंट मशीन का डिफरेंट स्पीड है तो मशीन्स के आगे WIP क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 यूनिट्स वाला जो मेरा मशीन है वहां पे मैंने 100 यूनिट्स तो बना लिए, ठीक है, और उसके बाद वाला जो मशीन है वो बोलता है कि नहीं भाई मेरे पास तो 70 यूनिट्स बनाने का ही कैपेसिटी है, तो 30 यूनिट्स क्या हो जाएगा, WIP क्रिएट हो जाएगा। समझो जो 70 यूनिट्स बना रहा है उसके जो बाद वाला है वो बोलता है मैं खाली 30 यूनिट्स बना सकता हूं, तो उसके आगे 40 यूनिट्स का WIP क्रिएट हो जाएगा। तो एक इन्वेंट्री बिल्डअप,
इन फ्रंट ऑफ स्लोएस्ट मशीन्स, दूसरा पाइल ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। अब समझो आपने प्रोडक्शन कर दिया पूरा और फिर अगर आपको पता चला कि कोई डिफेक्ट मिला है, देन इन दैट केस आप क्या करोगे? तो ये दो इश्यू बता रहे हैं क्या, एक कि मेरा डब्ल्यू आई पी क्रिएट हो रहा है, इन मतलब मशीन जो है वो मेरे अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, देन इन दैट केस क्या हो रहा है, डब्ल्यू आई पी क्रिएट हो रहा है, 50, 30, 20, 70 ऐसे मशीन है, तो 50 वाले ने 50 बना दिया, जो 30 वाला है वो तो 30 बना पाएगा, तो 20 का डब्ल्यू आई पी क्रिएट हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दूसरा पाइल ऑफ डिफेक्टिव, अगर पूरा प्रोडक्शन हो गया फिर आपको कोई डिफेक्ट मिला, देन इन दैट केस आपको वापस से पूरा सब चीज को ठीक करना पड़ेगा। इस चीज का सोल्यूशन के लिए वी हैव कम अप विद टू न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड दैट इज कैनबैन कार्ड एंड ग्रुपिंग मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स। आइए समझते हैं, कैनबैन कार्ड का मतलब होता है विजुअल का, ठीक है। अब अज्यूम करो कि मेरा एक फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री में तीन प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक हो रहा है कटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है मेरा ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, तीसरा है मेरा असेंबली डिपार्टमेंट। अब कटिंग डिपार्टमेंट का स्पीड है 500 यूनिट्स प्रोसेस करना पर आर, मेरा जो ड्रिलिंग डिपार्टमेंट है उसका स्पीड है 400 यूनिट्स पर आर, एंड मेरा जो असेंबली डिपार्टमेंट का जो मशीन है उसका स्पीड है 200 यूनिट्स पर आर। अब 500 यूनिट्स का स्पीड के हिसाब से कटिंग डिपार्टमेंट तो बना के भेज देगा ड्रिलिंग डिपार्टमेंट को, बट ड्रिलिंग डिपार्टमेंट उतना प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना उसका स्पीड ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट के आगे डब्ल्यू आई पी क्रिएट होना चालू। सेम वे जब ड्रिलिंग डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट को भेजेगा, सेम थिंग होगा, असेंबली डिपार्टमेंट के उधर भी डब्ल्यू आई पी क्रिएट होना चालू हो जाएगा, तो जो भी स्लोएस्ट मशीन है उसके आगे सबसे ज्यादा, विच इज माई असेंबली मशीन, सबसे ज्यादा मेरे वहां पे डब्ल्यू आई पी क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको रिजोल्व करने के लिए क्रिएट किया जापानीज लोगों ने कैनबैन कार्ड। सो जो मेरा स्लोएस्ट मशीन है या फिर जो मेरे डाउनस्ट्रीम मशीन है, तो असेंबली मशीन मेरा क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम मशीन, वो अपने अपस्ट्रीम मशीन को, विच इज ड्रिलिंग मशीन इन आर एग्जाम्पल, उसको एक कैनबैन कार्ड देगा। कैनबैन कार्ड में वो लिखेगा, भाई देखो मेरे को इतना इतना यूनिट्स मैं प्रोसेस कर सकता हूं, आप मेरे को इतना यूनिट्स ड्रिल करके दे दो, फिर मैं उसको ये टाइम में असेंबल कर दूंगा, एंड वो पार्ट जो कार्ड है वो दे देता है ड्रिलिंग मशीन को। ड्रिलिंग डिपार्टमेंट इन द सेम वे खुद का एक कैनबैन बनाता है, एंड अपने कैनबैन के हिसाब से वो जितना प्रोसेस कर पाएगा, एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द असेंबली डिपार्टमेंट का थीम, वो कटिंग डिपार्टमेंट को कैनबैन दे देगा। सो अब कटिंग डिपार्टमेंट अपस्ट्रीम है, वो उतना ही प्रोडक्शन करेगा जितना उसको ड्रिलिंग मशीन, जो उसका डाउनस्ट्रीम मशीन है, उसने ऑथोराइज किया है। ड्रिलिंग मशीन उतना ही बनाएगा जितना उसके डाउनस्ट्रीम ने, विच इज असेंबली डिपार्टमेंट, उतना ऑथोराइज किया है, सो दैट कोई भी डब्ल्यू आई पी क्रिएट नहीं होगा। तो जैसा अपन लोग ने देखा था यहां पे फर्स्ट इश्यू में, इन्वेंट्री बिल्डअप इन फ्रंट ऑफ स्लोएस्ट मशीन्स, दैट विल नाउ नॉट हैपन एट ऑल, एंड अपने पास प्रॉपर डब्ल्यू आई पी क्रिएशन का स्कोप नहीं रहेगा, ठीक है। सो लेट्स रीड, कैनबैन कार्ड विजुअल कार्ड यूज्ड इन पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी। पुल सिस्टम का मतलब याद रखना, इट इज कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम, यानी जब मेरे को प्रोडक्शन करना है या जब मेरे को परचेस करना है, मैं तभी अपने सप्लायर को बोलूंगा। मटीरियल इज सप्लाइड ऑन कंजम्पशन बेसिस, क्लियर। इट रिड्यूसेस द साइकिल टाइम एंड एनहेंसेस प्रिडिक्टेबिलिटी। देखो अब जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे फैक्ट्री में असेंबली डिपार्टमेंट था, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट था, कटिंग डिपार्टमेंट था, सो देर वॉज नो डब्ल्यू आई पी बिल्डअप, क्योंकि अब मैंने कैनबैन कार्ड यूज कर लिया है, तो मेरा जो डब्ल्यू आई पी है वो क्रिएट नहीं होगा ना, इससे मेरे फिनिश गुड का साइकिल जो है वो फटाफट टाइम टू टाइम कंप्लीट होते जाएगा, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट हैज ऑथोराइजेशन कि उसको कितना कटिंग का ड्रिलिंग करना है, असेंबलिंग करना है, राइट। सो इट रिड्यूसेस द साइकिल टाइम एंड एनहेंसेस प्रिडिक्टेबिलिटी, आपको पता रहता है कि कब कितना आपको काम करना है, प्रोसेसिंग करना है, सो दैट इट विल गो एज पर द फ्लो, क्लियर। नोटिफिकेशन कार्ड, तो एग्जैक्टली कैनबैन क्या है, लेट्स रीड दिस लाइन, नोटिफिकेशन कार्ड दैट अ डाउनस्ट्रीम मशीन सेंस टू ईच मशीन ऑथोराइजिंग प्रोडक्शन ऑफ जस्ट इनफ कॉम्पोनेंट्स। सो अपने केस में कटिंग मशीन अपस्ट्रीम, ड्रिलिंग मशीन डाउनस्ट्रीम, ड्रिलिंग मशीन उसको जो ऑथोराइज करेगा एग्जैक्टली उतना ही वो प्रोड्यूस करेगा।
नेक्स्ट ड्रिलिंग मशीन एंड असेंबलिंग मशीन की बात करूं तो असेंबलिंग मशीन डाउनस्ट्रीम, ड्रिलिंग मशीन अपस्ट्रीम। जितना असेंबलिंग मशीन उसको ऑथराइज करेगा उतना ही प्रोडक्शन होगा। आर वी क्लियर विद दिस? और एक कॉन्सेप्ट होता है कैनबैन कार्ड का, डिपेंड्स कौन सी कंपनी क्या मेथड यूज करती है, यहां पे भी विजुअल प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोयोटा ने क्या किया था मैं आपको बताता हूं। टोयोटा को कार बनानी थी तो अज्यूम करते हैं कि टोयोटा को तीन मेन डिपार्टमेंट चाहिए, एक होगा उसका व्हील डिपार्टमेंट, दूसरा होगा उसका स्टीयरिंग डिपार्टमेंट और तीसरा होगा उसका जो मेन बॉडी है उसका डिपार्टमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपना फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री का जो बोर्ड है उधर एक येलो कलर का पेपर लगा देते थे, कहां पे, टोयोटा में। वो पेपर पे अभी समझो व्हील वाला काम कर रहा है तो व्हील वाला लिख देगा यूनिट स्टार्टेड 100, यूनिट्स WIP 100, यूनिट्स फिनिश्ड 100। तो जैसे व्हील वाले का काम हुआ इमीडिएटली जो उसके नीचे वाला ऐसे फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग डिपार्टमेंट, स्टीयरिंग डिपार्टमेंट को पता चल जाता था जैसे ही व्हील वाला लिख रहा था यूनिट स्टार्टेड, ओके व्हील वाले को अभी स्टीयरिंग वाले को अभी पता चल गया चलो अब कुछ टाइम बाद हम लोग को हमारा स्टीयरिंग का काम चालू करना है। व्हील WIP, व्हील जैसे फिनिश्ड होता था वहां पे नोटिफिकेशन आ जाता था, स्टीयरिंग वाला देख लेता था ओके व्हील का काम कंप्लीट हो गया है चलो अब मेरे को मेरे स्टीयरिंग का काम स्टार्ट करना है। सेम वे स्टीयरिंग वाला यूनिट स्टार्टेड WIP फिनिश्ड एंड देन जो हमारा बॉडी वाला डिपार्टमेंट है वो काम चालू कर देता था। तो ऐसे भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तरह कैनबैन कार्ड को यूज करते हैं। सो आई होप आपको लॉजिकली समझ गया होगा। उसके बाद है कैनबैन साइज। कैनबैन साइज का मतलब होता है कि एक बिन है, से फॉर एग्जांपल मैं डिपार्टमेंट कटिंग डिपार्टमेंट हूं, ठीक है, तो मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए। मैं ड्रिलिंग डिपार्टमेंट हूं, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल है एक बिन में कितना रॉ मटेरियल रखना है उसको कहते हैं कैनबैन साइज। एक बिन में कितना रॉ मटेरियल रखना है उसको कहते हैं कैनबैन साइज। उसके लिए फॉर्मूला है सी इंटू एल टी इंटू एल इंटू एस एफ। सी इज कंजम्पशन, भाई कितना कंजम्पशन करने वाला हूं। लीड टाइम का मतलब अगर मैंने सप्लायर को आज ऑर्डर दिया तो कितने दिन में आएगा, तो उतने दिन का मेरे को रॉ मटेरियल अपने पास रखना पड़ेगा। एल का मतलब होता है लोकेशन। एल यूजुअली इफ नथिंग इज गिवन इज टू लोकेशन ऑफ मी एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो दो। एंड स्मूदिंग फैक्टर का ऑलवेज इंटरप्रिटेशन होता है वन। सो अगर ये सी इंटू एल टी इंटू एल इंटू एस एफ मैंने किया तो मुझे पता चलेगा कैनबैन साइज, मतलब एक कैनबैन बिन में कितना रॉ मटेरियल रहेगा। समझगड़ू? ठीक है, अब इन्होंने दिया है कुछ प्री रिक्विजिट्स ऑफ कैनबैन सिस्टम। अगर आपको कैनबैन सिस्टम अप्लाई करना है देन इन दैट केस लॉट साइज विल बी इक्वल टू कैनबैन साइज। तो कैनबैन साइज मतलब ये जो देखो ये मेरा कैनबैन का बिन होगा, ये बिन के अंदर सपोज मैं बोलता हूं भाई 250 यूनिट्स का मेरा कैनबैन साइज आ रहा है, ठीक है, ये कैनबैन साइज मेरा कितना आ रहा है 250 यूनिट्स का मेरा कैनबैन साइज आ रहा है, तो वो मेरा लॉट साइज हो गया। तो मैं सप्लायर को बोलूंगा सुन भाई मेरे को है ना 250 यूनिट्स भेजते रहना जब भी मैं ऑथोराइज करूं। सप्लायर पार्टिसिपेशन एंड अग्री अपॉन कैनबैन स्टॉकिंग प्रोग्राम। सप्लायर का पार्टिसिपेशन इज द मस्ट फॉर कैनबैन सक्सेस। सप्लाई मटीरियल डायरेक्टली एट पॉइंट ऑफ यूज, मतलब मेरा जो मशीन फ्लोर है उधर। कंजम्पशन पैटर्न शुड बी कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं कि आज 100 यूनिट का अपने को कंजम्पशन आया, कल 5000 यूनिट का, फिर 1,00,000 यूनिट का, फिर वापस 50 यूनिट का, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि भाई एक महीने में या एक वीक में अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल का मेरे को जरूरत लगेगा। सो उस हिसाब से कंजम्पशन पैटर्न एक बोलते ना स्टैंडर्डाइज बेसिस पे रहेगा, तो कैनबैन उस हिसाब से अप्लाई करने में ईजी रहेगा। स्टोरेज रिक्वायरमेंट शुड बी मेट, इफ रिक्वायर्ड तो मैं स्टोर भी कर सकूं थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल, दैट शुड बी देयर। तो ये प्री रिक्विजिट्स अगर मैंने फुलफिल कर लिए आई कैन देन अप्लाई कैनबैन टू माई सिस्टम। यहां पे देखो अगर आप देखोगे तो दिखेगा आपको नंबर ऑफ कैनबैन। नंबर ऑफ कैनबैन का मतलब क्या होता है कि आपको कैनबैन साइज पता चल गया है, कितना कैनबैन साइज है आपका सर 250 यूनिट्स, मतलब एक बिन में मैं 250 यूनिट्स रखने वाला हूं। कैनबैन नंबर ऑफ कैनबैन का मतलब होता है नंबर ऑफ कैनबैन बिन, लिख सकते हैं अपन लोग इधर कि भाई टोटल आपको एट अ टाइम अपने कंपनी में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कितने रॉ मटेरियल चाहिए, बोलो बोलो चहल चहल। तो मेरे को चाहिए क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक मतलब कि भाई इतना तो मिनिमम रहना ही चाहिए, प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड पीरियड। लीड पीरियड मतलब जितना टाइम लगने वाला है ना उसको सप्लायर को अपने यहां तक भेजने में,
उस ड्यूरेशन में सपोज उसको 3 दिन लगेगा और एक दिन का कंजम्पशन है 500, तो अराउंड 1500 यूनिट्स हो गए, बराबर है। तो अगर यहां पे 1500 यूनिट्स मेरा कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड पीरियड है, कैसे आया कि समझो 500 यूनिट्स एक दिन का है और 3 दिन लगता है सप्लायर को मेरे को माल सेंड करने में, तो 1500 मेरा हो गया, प्लस मेरे को लग रहा है मेरा क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक मेरे को 500 यूनिट्स रखना ही रखना है, सो टोटल कहना है इसे 2000 यूनिट्स होना चाहिए एट अ टाइम, एंड 250 यूनिट्स का मेरा कैनबैन साइज है। अगर मेरा 250 यूनिट्स का कैनबैन साइज है, मतलब कहना है इसे मेरे को 8 कैनबैन बिन की जरूरत लगेगी, क्योंकि मेरे को 2000 यूनिट्स चाहिए एंड हर कैनबैन बिन में मेरा 250 यूनिट्स रहने वाला है। सो टोटल कितने कैनबैन चाहिए, कैनबैन यू बिन 8, समझ गुडू? ठीक है, तो ये 8 कैसे आया, 2000 जितना मेरे को यूनिट्स चाहिए डिवाइड बाय 8 कैनबैन साइज है 250 का, सो 2000 डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू 8, समझे? सो कैन आई से कैनबैन कार्ड को यूज करके जो मेरा फर्स्ट इशू है वो पूरी तरह रिजॉल्व हो जाएगा। क्या है फर्स्ट इशू? इन्वेंटरी बिल्डअप इन फ्रंट ऑफ स्लोएस्ट वंस। अब कोई बिल्डअप नहीं होगा, ऑथराइजेशन से ही बनेगा, विजुअली आप देख सकते हो कौन सी चीज कितनी हुई है, सो उतना ही आप भी प्रोडक्शन करोगे। जैसे व्हील्स का मैंने बताया था, अगर व्हील्स 200 यूनिट्स बने हैं तो स्टीयरिंग वाले को पता चल जाएगा कि उसको भी 200 यूनिट्स करना है, बॉडी वाले को पता चल जाएगा वो भी उस हिसाब से 200 यूनिट्स ही बनाएगा। कैनबैन साइज का भी जो कॉन्सेप्ट है जो अपने आईसीआई के स्टडी डाइजेस्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, वो भी आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकेंड एस्पेक्ट है ग्रुप मशीन इनटू वर्किंग सेल्स। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? बिकॉज ऑफ द रीजन पाइल ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। देखो अब क्या होता था, ट्रेडिशनली जो कटिंग डिपार्टमेंट है वो एक्सक्लूसिवली कटिंग डिपार्टमेंट कटिंग के लिए ही था, तो जितने भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बन रहे कटिंग डिपार्टमेंट के पास ही आते थे। सेम वे ड्रिलिंग डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन ड्रिलिंग, असेंबली डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन असेंबली। तो कटिंग डिपार्टमेंट के पास अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो कटिंग डिपार्टमेंट उसका अपना काम कर देता था, कट 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 कर दिया एंड ड्रिलिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया। अब ड्रिलिंग डिपार्टमेंट को तो आइडिया नहीं है कि कटिंग कैसा होना चाहिए, वो उसके पास जो भी कटिंग डिपार्टमेंट से पार्ट आया उसके ऊपर वो ड्रिलिंग कर देता था, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट से ड्रिल होके पार्ट चले जाता था असेंबलिंग डिपार्टमेंट के पास, असेंबलिंग डिपार्टमेंट उसका असेंबली कर देता था, फाइनली फिनिश गुड असेंबल हो जाता था। उसके बाद जब इंस्पेक्शन टीम देखती थी उनको रियलाइज हुआ कि अरे यार ये प्रोडक्ट्स में तो कटिंग बराबर हुआ ही नहीं है, एले से अप्पा, क्योंकि कटिंग डिपार्टमेंट तो बल्क में कटिंग किया, बल्क में ड्रिलिंग किया, बल्क में असेंबलिंग किया, और अब पता चल रहा है कि कटिंग भी बराबर नहीं हुआ है, मतलब रीकटिंग मतलब रीड्रिलिंग रीअसेंबलिंग, ओफो, समझ रहे हो ना? क्योंकि कटिंग डिपार्टमेंट से मिस्टेक हुआ पर ड्रिलिंग डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो खाली ड्रिलिंग करना आता है। तो यार ये बहुत बड़ा पंगा होने लगा, एंड दैट इज वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप मशीन सेल्स केम। सिमिलर इनफैक्ट सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा जब अपन लीन फाइव सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब भी। सो उन्होंने क्या सोचा कि यार इतना बल्क में अगर अपन एक एक ही डिपार्टमेंट में पूरा काम करवाएंगे एंड वहां पे अगर कोई एरर निकला जो एंड में जाके निकल रहा है, देन इन दैट केस पाइल ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स मिल जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट पार्ट में आप करोगे, नेक्स्ट बैच में आप उसको ठीक कर दोगे, बट ये वाला बैच तो आपका खराब हो गया। सो इशू जेआईटी इशू देखो, पाइल ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। सो अगर इतना बड़ा पाइल अप हो रहा है देन दैट इज एन इशू। उसको ठीक करने के लिए ग्रुप वर्किंग सेल्स सेटअप होने लगे। तो ग्रुप वर्किंग सेल्स क्या होता है, तो यहां पे देखो ये दिख रहा है आपको ऐसा कुछ सेटअप, ऐसा कुछ सेटअप होने लगा जहां पे वो लोग ने बोला कि भाई ठीक है देखो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स मत लो कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स करे, आप क्या काम करो एक पूरा मशीन सेल सेटअप करो। मशीन सेल का मतलब होता है एक यूनिट, जैसा आपको पता होगा एक क्यूबिकल होता है, आप लोग ने क्यूबिकल देखा होगा या कैबिन देखा होगा। सो एक केबिन रखो, केबिन के अंदर छोटे छोटे 3-4 मशीन रखो। जैसे आपको कटिंग ड्रिलिंग एंड असेंबली करना है तो एक कटिंग का छोटा मशीन, ड्रिलिंग का मशीन, असेंबली का मशीन, एक ही बंदा है जो तीनों काम करेगा। तो वो कटिंग का काम करेगा फिर ड्रिलिंग करने जाएगा, जैसे ही वो ड्रिलिंग करने जाएगा और एक एक प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ही वो ड्रिलिंग करने जाएगा वो देखेगा अरे यार ये तो इसका कटिंग बराबर नहीं हुआ है,
ऑन द स्पॉट वो बराबर कटिंग कर लेगा, पहले जैसे नहीं कि पूरा का पूरा 100 प्रोडक्ट अगर अपन ने किया है तो उसको सबको ठीक करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज योर ग्रुप मशीन्स इनटू वर्किंग सेल। आओ देखो, स्मॉल क्लस्टर ऑफ मशीन्स रन बाय सिंगल मशीन ऑपरेटर क्या होता है, टेक्स ईच आउटपुट पार्ट फ्रॉम मशीन। सो कटिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा, वो आउटपुट हो गया ड्रिल डिपार्टमेंट के लिए, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा, आउटपुट हो गया असेंबली डिपार्टमेंट के लिए। सो हर एक लेवल पे वो एक ही बंदा जाएगा, ही विल पिक इट अप, चेक बराबर है कि नहीं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे डालेगा। समझो ड्रिलिंग बराबर नहीं हुआ है, असेंबली करने के पहले वो चेक कर लेगा कि ड्रिलिंग बराबर नहीं हुआ है, ही विल डू द री ड्रिलिंग पार्ट। समझे? सो इसे क्या होगा, पाइल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं होगा, ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम है ठीक कर दो। तो टेक ईच आउटपुट फ्रॉम आउटपुट पार्ट फ्रॉम मशीन टू मशीन इन अ सेल, दस रिसॉल्व इश्यू एंड आइडेंटिफाइज डिफेक्टिव आउटपुट। कोई भी डिफेक्टिव आउटपुट है, ऑन द स्पॉट वो इश्यू रिजोल्व हो जाएगा। चलो, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि छोटे छोटे मशीन है तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है भी नहीं। इजियर टू रिकॉन्फिगर प्रोडक्शन फैसिलिटी, अगर आपको आपका प्रोडक्शन सेटअप को पहले ड्रिलिंग करना है फिर कटिंग करना है या कुछ भी रिकॉन्फिगरेशन करना है, यू कैन इजिली डू इट इन अ ग्रुप मशीन सेल। आर वी क्लियर? सो ये जो दो इश्यू है इसको भी अपन ने रिजोल्व कर दिया है। ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर JIT में डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स है तो वो इशू को आप कैसे रिसॉल्व करोगे, कैन पैन कार्ड पूरा एक्सप्लेन करो, ग्रुप मशीन सेल्स पूरा एक्सप्लेन करो, एंड यू आर थ्रू। एंड अब अपन आ रहे हैं लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर, विच इज बैक फ्लशिंग इन JIT। इसको प्यार से बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ JIT। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ जस्ट इन टाइम। तो देखो क्या होता है इसमें, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर अपन रीड कर लेंगे। तो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि इन केस ऑफ जस्ट इन टाइम, जैसे जैसे आप लोग के पास प्रोडक्शन ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, वैसे परचेस डिपार्टमेंट सप्लायर को बोलता है सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे रख दे, सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे रख दे। तो इतनी बार द सप्लायर कम्स पुट्स ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर, देर आर चांसेस के अकाउंटिंग उसका मिस हो जाए या आप कोई प्रॉपर बिल नहीं रहेगा मिस हो जाए, ऑल ऑफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो उन्होंने क्या किया, यूज किया है कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बैक फ्लशिंग। मतलब पूरा मंथ एंड हो जाने दो, जब ये मंथ एंड हो जाएगा हम देखेंगे हमने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है, फिर हम बैक वर्किंग करेंगे, इसलिए नाम दिया बैक फ्लशिंग। बैक वर्किंग करेंगे कि भाई देखो टोटल हमारा ये महीने में 1000 units बना है, 1000 units बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा, से एक यूनिट बनाने के लिए आपको 5 रॉ मटेरियल चाहिए, तो 1000 फिनिश गुड बनाने के लिए 5000 रॉ मटेरियल की जरूरत लगी होगी, 5000 के हिसाब से अपन अपने सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है उसको एडजस्ट कर लो, अगर कोई नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस है उसको भी एडजस्ट कर लो, फाइनली एक जो ये वर्किंग है सेंड इट टू सप्लायर, सप्लायर अपने हिसाब से रिकंसाइल करके कंफर्म कर देगा पेमेंट डन। तो रोज रोज दिन में 3 बार अगर सप्लायर अपने को यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल देके जा रहा है तो अकाउंट डिपार्टमेंट कहां कहां कैसे कैसे उसका ट्रैक रखेगा, उसके लिए आया बैक फ्लशिंग इन JIT। सो क्या करोगे आप, एंड ऑफ द मंथ यू विल चेक टोटल कितना फिनिश गुड है, एक फिनिश गुड बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर फिनिश गुड, अपने को पता चल गया कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, एडजस्ट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्ट फॉर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस, डन, उस हिसाब से पेमेंट करवा दो। क्लियर हो गया? चलो, सो शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल एंड लोअर कॉन्स्टेंट इन्वेंटरी हो तब आप बैक फ्लशिंग बराबर से यूज कर पाओगे। वाई सो? सो शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल मतलब एकदम क्विकली आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं कि भाई पूरा 2-2, 3-3 महीना चलेगा और एक प्रोडक्ट बन रहा है। से फॉर एग्जाम्पल एयरलाइन इंडस्ट्री, इट मे नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल टू यूज एट दैट पॉइंट इन टाइम। फिर है लोअर कॉन्स्टेंट इन्वेंट्री, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है अपनी इन्वेंट्रीज में, देयर इज अ कंसिस्टेंसी। सो अगर ये दो चीजें, क्या शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल प्लस लोअर कॉन्स्टेंट इन्वेंट्री हुआ, तो बैक फ्लशिंग स्मूथली आपका अप्लाई हो जाएगा। क्या होता है बैक फ्लशिंग के लिए फॉर्मूला? अच्छा देखो, इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, नो डेटा एंट्री अंटिल फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू यूनिट काउंट लिस्टेड इन बिल ऑफ मटेरियल फॉर ईच कंपोनेंट। भाई एक यूनिट बनाने के लिए कितना अपने को रॉ मटेरियल लग रहा है उस हिसाब से, इक्वल टू नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूनिट्स रिमूव्ड फ्रॉम द स्टॉक। समझे? उस हिसाब से पेमेंट जाएगा। सो नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूनिट्स रिमूव फ्रॉम द स्टॉक का मतलब यही होता है कि भाई इतना हम लोग ने टोटल कंजम्पशन किया है रॉ मटेरियल का। डन?
ओके सर, अब आ जाते हैं इश्यूज इन बैक फ्लशिंग के ऊपर। पहला इश्यू है प्रोडक्शन रिपोर्टिंग। अगर आपने इनकरेक्ट प्रोडक्शन रिपोर्टिंग किया, मतलब आपका 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है और आप बोल रहे हो कि नहीं हमारा 800 यूनिट्स ही प्रोडक्शन हुआ है, तो अगर आपका प्रोडक्शन रिपोर्टिंग रॉन्ग है तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल कंजम्पशन का भी अमाउंट रॉन्ग आएगा, बैक फ्लशिंग विल गो फॉर अ टॉस, तो नहीं चलेगा। प्रोडक्शन फिगर एंटर्ड मस्ट बी एब्सोल्युटली करेक्ट और एल्स रॉन्ग कंपोनेंट टाइप्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टॉक, सो फिर बाद में यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट थिंग्स प्रॉपरली। सेकेंड आता है स्क्रैप रिपोर्टिंग। जो भी स्क्रैप हुआ रहेगा, हो सकता है ना प्रोसेस के टाइम पे कुछ स्क्रैप भी बना रहेगा रॉ मटेरियल का, तो वो भी तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, स्क्रैप रिपोर्टिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। डिलीजेंटली ट्रैक एंड रिकॉर्ड अबनॉर्मल स्क्रैप एल्स मटेरियल विल फॉल आउटसाइड बैक फ्लशिंग सिस्टम। लॉट ट्रेसिंग, कौन से लॉट में से कौन सा आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है आपके पास, उसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट टू ट्रैक लॉट फ्रॉम विच फिनिश गुड वॉज प्रोड्यूस। सो इतने सारे आपके पास रॉ मटेरियल होंगे, कौन सा फिनिश गुड कौन से लॉट से बना है उसका ट्रैक या उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। एंड लास्ट में इन्वेंट्री, डिफिकल्ट टू मेंटेन एक्यूरेट सेट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स इन वेयरहाउस। सो अगर आपका वेयरहाउसिंग सिस्टम है देन अगेन इट विल बिकम डिफिकल्ट कि वेयरहाउस से कौन सा रॉ मटेरियल कब आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे है और कौन से प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है फिनिश गुड के, दैट कैन ऑल्सो बिकम एन इशू। सो इसके लिए ये इश्यूज अगर आप रिजोल्व कर सकते हो देन डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक फ्लशिंग इन जस्ट इन टाइम। समझो, सो इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका टोटल जस्ट इन टाइम। थोड़ा एक्सटेंसिव था बट अपन ने हर एक पॉइंट को ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से वर्कअप कर लिया है। डन, सो आई होप JIT इज क्लियर। आपको वापस से सुनना है, वापस से रीप्ले कर लेना, सो और पॉइंट्स एकदम दिमाग में सेट हो जाएंगे। लीन वन गाइज, डन एंड डस्टेड। अब आएगा लीन टू। लीन टू का है मतलब काइजेन। काई का मतलब होता है चेंज, जेन का मतलब होता है फॉर बेटर, फॉर गुड। सो चेंज फॉर बेटर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जिसको बोलते हैं, दैट इज काइजेन कॉस्टिंग विच इज लीन टू, इंट्रोड्यूस्ड बाय टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। सो टोयोटा, जब आज से कुछ साल पहले की बात है, 20 डेज लगता था, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, 20 डेज लगता था टोयोटा को एक कार बनाने में। टोयोटा ने TQM, सिक्स सिग्मा जैसे बड़े बड़े प्रोसेसेस अप्लाई किए, 20 डेज से रिड्यूस हो गया 10 डेज। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड कि भाई क्या बात है, 20 डेज का काम इन्होंने 10 डेज में कर दिया है, वेरी गुड। बट अब और कोई स्कोप नहीं है। जापानीज पीपल डिड नॉट स्टॉप, उन्होंने बोला कि चलेगा अब हम छोटे 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 इंप्रूवमेंट करेंगे एंड उससे ट्राई करेंगे और टाइम रिड्यूस करने को, एंड देवर सक्सेसफुल। फिर उन्होंने काइजेन कॉस्टिंग विच इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन स्मॉल इंक्रीमेंटल लेवल किया एंड 10 दिन से 8 दिन में काम उनका कंप्लीट हो गया। सो सेम 20% एफिशिएंसी मिल गया उनको ऑन द सेम टाइम। सो दैट इज वेयर काइजेन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द होल वर्ल्ड एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड स्पेशली आपके स्टडीज के लिए। थोड़ा 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 रोज करते जाओ, रिविजन लेक्चर्स देखते जाओ, 100% आपको एग्जेम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो काइजेन कॉस्टिंग अगर क्वेश्चन में आता है देन इन दैट केस आपको क्या लिखना है, कंटिन्यूअल एग्जामिनेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस। इंपैक्ट क्या होना चाहिए, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस रूटीनली अप्लाइड। रूटीनली मतलब डेली बेसिस पे आपको छोटे 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 इंप्रूवमेंट जहां भी दिख रहे हैं वो करते जाओ। शायद अभी रियलाइज नहीं होगा बट जब ये छोटे छोटे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो छोटे छोटे लेवल्स पे आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे, द इंपैक्ट विल बी वेरी वेरी हाई, सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो एक छोटा सा कुछ चेंज करोगे आपको शायद उसका इंपैक्ट दिखेगा भी नहीं, बट यही छोटा छोटा चेंज कंटिन्यूअस बेसिस पे सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, डेफिनेटली वी विल गेट द रिजल्ट। सो क्या याद रखना है, ज़ेन चेंज फॉर बेटर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअल एग्जामिनेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस रूटीनली अप्लाइड, सस्टेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज काइज़ेन कॉस्टिंग। उससे क्या होगा, रिजल्ट विल बी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। सीधी सी बात है, 10 दिन के जगह पे अब 8 दिन में अगर मेरी कार बन रही है देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन टू अ बिग कॉस्ट सेविंग। सो काइज़ेन कॉस्टिंग एम्स टू इन्वॉल्व वर्कर्स फ्रॉम मल्टीपल फंक्शंस एंड लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस प्रॉब्लम और इंप्रूव प्रोसेस। मैं आपको एक बात बता दूं कि काइज़ेन कॉस्टिंग को यूजुअली लोअर लेवल एम्प्लॉइज से इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब समझो आप आर्टिकलशिप कर रहे हो कोई फर्म में, तो आपको जितने भी आर्टिकल लोग, सो हु आर यू, यू आर लोअर लेवल एम्प्लॉइज, सो आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई आपके क्या सजेशंस है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड वो सजेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। छोटे छोटे सजेशंस होंगे आपके ऑब्वियसली एट द लेवल दैट यू आर,
एंड फिर वो छोटे छोटे सजेशंस को इंप्रूव करते करते कैसेन आ जाएगा. सो एम्स टू इन्वॉल्व वर्कर्स ऑन मल्टीपल फंक्शंस एंड लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस प्रॉब्लम और इंप्रूव प्रोसेसेस. समझ रहे हो? प्रिंसिपल्स ऑफ कैसेन टीम इन क्वालिटी सर्कल्स. क्वालिटी सर्कल जापानीज कॉन्सेप्ट आप लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि एक टीम बैठती है एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, कंसल्टेशन होता है एक दूसरे के साथ एंड दे फाइंड वेज कि कैसे प्रोसेस को इंप्रूव किया जाए. स्ट्रॉन्ग पर्सनल डिसिप्लिन, वर्कर्स आर कॉन्फिडेंट अबाउट ऑफरिंग सजेशंस बिकॉज काइज़ेन कॉस्टिंग तो बेस्ड ही उस फंडामेंटल के ऊपर है कि वर्कर्स अपने को सजेशन देगा. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट. काइज़ेन कॉस्टिंग क्या बोलता है कि भाई छोटे से छोटा इंप्रूवमेंट भी होगा तो चलेगा, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट एंड एवरीवन्स ओपिनियन इज वैल्यूड एंड कंसिडर्ड. भले ही आप एकदम लोअर लेवल एम्प्लॉय हो फिर भी अगर आपने कोई सजेशन दिया है उसको भी इंप्लीमेंट करेगा काइज़ेन कॉस्टिंग. ऑब्वियसली ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है, इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज इन ऑल एरियाज, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होता है, वेस्ट चले जाता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. जैसा मैंने बोला कि जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज है, मिड लेवल एम्प्लॉयज है, वो एक क्वालिटी सर्कल फॉर्म करके डिसीजन लेते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग. ठीक है, बेनिफिट्स क्या है काइज़ेन कॉस्टिंग के? रिड्यूसेस वेस्ट इन एम्प्लॉय वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस इन्वेंटरी. इनफैक्ट कोई भी टीम वुड में अपन काइज़ेन को यूज कर सकते हैं. इंप्रूव्स एफिशिएंसी, अचीव्स कॉस्ट रिडक्शन थ्रू इंप्रूवमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्चुअली आपको लेजिट कॉस्ट रिडक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा. पार्टिसिपेटिव अप्रोच इंप्रूव्स टीम वर्क अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान से याद रखना. पार्टिसिपेटिव अप्रोच होता है इन काइज़ेन कॉस्टिंग. रिडक्शन इन एम्प्लॉय वेस्ट मैनेजमेंट, यू कैन से उनका टाइम है वो कम यूज होता है, एक्सेस इन्वेंटरी कम होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होता है. सो ऑल ऑफ दिस विल गिव यू बेनिफिट्स ऑफ काइज़ेन कॉस्टिंग. डिफेक्टिव पार्ट्स कम हो जाते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिडक्शन इन वारंटी कॉस्ट इंप्रूव्स फाइनली द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. सो आई होप काइज़ेन कॉस्टिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. इसमें से जो भी अपने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए, मेन मेन पॉइंट्स पिकअप करो एंड जस्ट एग्जाम में लिखकर आओ. काइज़ेन से रिलेटेड कुछ भी आए, चेंज, बेटर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस रूटीनली अप्लाइड, सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूअल एग्जामिनेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोसेस, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब वर्ड्स लिखकर आने हैं एंड हियर यू गो, फुल मार्क्स. जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया, एवरीवन ओपिनियन इज वैल्यूड एंड कंसिडर्ड, पार्टिसिपेटिव अप्रोच इंप्रूव्स टीम वर्क अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी सर्कल्स फॉर्म होता है, वर्क Workers can give their suggestions, less number of defective parts, customer satisfaction is in all Kaizen costing. इसी के साथ complete होता है अपना Lean 2. So just in time, बहुत बड़ा था Lean 2, relatively easy. इससे related case study आगे आएगा जिसको अपन later on manage करेंगे. अब flow में आ रहा है अपना Lean 3. Lean 3 का मतलब होता है 5S. Sort, set in order, shine, standardize, sustain. ये है अपना English terminology. Siri, sito, siso, siketsu, suke is the terminology of Japanese words. Sir, हम लोग को क्या याद रखना है? आपको याद रखने हैं इसके English version, which is sort. क्या होता है एक एक को मतलब मैं आपको समझाते जाता हूँ ना, कहाँ पे ये यूज होता है. स्पेशली यूज होता है ये एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में. तो आप लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, उसके बाद जहां पे भी आप काम करोगे वहां पे वर्क प्लेस मैनेजमेंट, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होगा 5S. अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, अप्लाई टू वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड. क्या काम है इनका? हाउ वर्क प्लेस शुड बी ऑर्गेनाइज, किस चीज के लिए? फॉर एफिशियंसी एंड फॉर इफेक्टिवनेस. तो जितना अपन एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ही अपना 5S सक्सेसफुल होते जाएगा. सो यविया बाय कैसे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस करेंगे? आइडेंटिफाइंग एंड स्टोरिंग प्रॉप आइटम्स यूज, मेंटेनिंग द एरिया एंड आइटम्स एंड सस्टेनिंग द न्यू ऑर्डर, उसके लिए है ये 5S. तो आओ 5S को फटाफट एक बार देख लेते हैं. इन टर्म्स ऑफ रिमेंबरिंग, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड किस उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइज वे ऑफ इंप्रूविंग एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस. दीज आर द कैच वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. फिर आता है अपना सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन. सबसे पहले सॉर्ट एग्जांपल लेते हैं आपके क्लोथ्स के कबर्ड का. तो अगर आपके क्लोथ्स होंगे तो एक जगह जीन्स लगाए, एक जगह आपने शर्ट रखा है, एक जगह आपने शेरवानी रखी है, एक जगह आपने अपना पैंट रखा है, एक जगह आपने अपना फॉर्मल्स रखा है, नहीं चलेगा. आपको क्या करना है, सबको पहले सॉर्ट कर दो भाई. एक जगह पे एक चीज होनी चाहिए, पैंट्स की जगह पे पैंट डाल दो, शर्ट्स की जगह पे शर्ट,
कर दो। फिर बाद में सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर मतलब एक साथ सब टी शर्ट्स रख दो, एक साथ सब शर्ट। अब तक क्या किया था मैंने भाई, जो भी अनवांटेड चीजें थी ना वो वहां से निकाल दिया। कई बार अपने जो टिपिकल वार्डरोब है उसके अंदर आपकी घड़ी भी रहेगी, आपका बेल्ट भी रहेगा, कई बार आपका कॉम भी रहेगा, वो सब अनवांटेड चीजें निकाल दो, सिर्फ उधर कपड़े रहने चाहिए। एंड उसको भी चाहिए तो अरेंज कर दो, सॉर्ट कर दो कि भाई सब पैंट्स एक जगह पे एंड सब टॉप्स एक जगह पे। अब सेट इन ऑर्डर मतलब जो शर्ट्स है कैजुअल शर्ट्स वो टी शर्ट्स अलग, फिर फॉर्मल शर्ट्स अलग, फॉर्मल पैंट्स अलग, कुछ ट्रेडिशनल वेयर रहेगा अलग। सो ये आपने क्या कर दिया, सेट इन ऑर्डर शाइन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वार्डरोब में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिट्टी जाती रहती है, तो एंश्योर कि आप उसको क्लीन रख रहे हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे खराब हो जाए आपका वो वार्डरोब या ऐसा कुछ। सो दैट इज योर शाइन, स्टैंडर्डाइज। सो फिर बाद में एक सिस्टम सेट कर दो कि भाई अगर मेरा शर्ट मैं लेकर आता हूं बाहर से खरीद के तो वो उधर ही जाएगा, अगर मैं पैंट लेकर आता हूं तो अपन उधर ही रखेंगे। तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस अपन सेट कर देंगे एंड फाइनली ये सस्टेन कंटिन्यूअस बेसिस पे ये करते रहना है। ऐसा नहीं कि दिवाली की सफाई हो गई फिर इसको भूल जाओ, ना ऐसा नहीं चलेगा। अगर मैं इसको आपके ऑफिस के एग्जाम्पल के तौर पे लूं, देन इन दैट केस सॉर्ट का मतलब होता है इतनी सारी आपकी फाइल्स बुक्स पेपर सब इधर उधर पड़े रहते हैं आपके बेंच के ऊपर या आपके जो डेस्क है उसके ऊपर, नहीं चलेगा। सबको प्रॉपरली एक बार अरेंज कर दो, फिर बाद में सेट इन ऑर्डर, फाइल्स एक जगह पे, आपकी बुक्स एक जगह पे, अनवांटेड चीजें अगर कुछ होगी तो वो ऑलरेडी सॉर्ट्स में आप उसको निकाल दोगे। तो अगर कोई पेन है जो नहीं चल रही है वो भी पड़ी हुई है उधर ही, कोई और कोई चीज है आपकी वो भी पड़ी है, सो सब सॉर्ट इन कर दो, सेट इन ऑर्डर ऑल फाइल्स टुगेदर। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मेरी समझो जीएसटी की फाइल्स है एक जगह पे आ गई, स्टैचुटरी ऑडिट की फाइल्स है एक जगह पे आ गई, और वे फाइल्स है से इनकम टैक्स की फाइल्स है एक जगह पे आ गई, उसको नेमिंग कर दो भाई ए बी सी डी। तो जो भी क्लाइंट है ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आएंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ये सब क्या हो गया मेरा सेट इन ऑर्डर। सॉर्ट मतलब पहले अपने डेस्क को एकदम क्लीन कर दो, सेट इन ऑर्डर मतलब फिर उसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दो, सॉर्ट मतलब आपका जो वार्डरोब में अगर आपके कपड़े पड़े हैं तो उसमें सिर्फ कपड़े रहे, बाजू बाजू की बाकी सब चीजें साइड पे रख दो। सेट इन ऑर्डर मतलब शर्ट कैजुअल शर्ट्स एक जगह पे, जीन्स एक जगह पे, कैजुअल पैंट्स फॉर्मल पैंट्स एक जगह पे, वैसा। फिर होता है शाइन, अगर आपके डेस्क पे समझो सीजर है जिससे किसी को चोट लग सकती है साइड पे रख दो, सिस्टमैटिकली जगह पे रख दो। फिर स्टैंडर्डाइज कौन सी चीज कहाँ पे होगी, जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि कलर कोडिंग दे दो कि भाई येलो कलर की फाइल्स मतलब स्टैट ऑडिट, ग्रीन कलर की फाइल्स मतलब इंटरनल ऑडिट, ब्लू कलर की फाइल्स मतलब जीएसटी। सो आपने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। आप लोग खाना खाते हो तो देख लिखा होगा ग्रीन वाला डॉट होता है मतलब क्या होता है वेजिटेरियन, रेड वाला डॉट होता है मतलब नॉन वेजिटेरियन। तो क्या कर दिया उन्होंने, स्टैंडर्डाइज कर दिया। वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ आपको रेड डॉट दिखा मतलब वो नॉन वेजिटेरियन है, एवरीवेयर दिस इज स्टैंडर्डाइज। वैसे आप अपनी चीजों को स्टैंडर्डाइज कर दो। लास्ट में आता है सस्टेन, एंश्योर कि जो आपने सब सिस्टम्स प्रोसेसेस डाले हैं उसको आप कंटिन्यू करते रहो। तो फर्स्ट है मेरा सॉर्ट, एलिमिनेट ऑब्स्टेकल्स एंड इवेल्युएट नेसेसरी आइटम्स टू मेक वर्क इजी। तो जो भी आपको चाहिए काम का वो ही रखो, बाकी सबको बाहर। रिड्यूस चांसेस ऑफ बीइंग डिस्टर्ब विद अननेसेसरी आइटम्स, क्या होता है अगर डेस्क पे या वार्डरोब पे अननेसेसरी आइटम्स होती है ना तो कई बार जो चाहिए वो दिखता ही नहीं है क्योंकि अननेसेसरी आइटम्स पे ही आपका नजर जाएगा। प्रिवेंट अक्यूमुलेशन ऑफ अननेसेसरी आइटम्स, इन शॉर्ट रिमूव अननेसेसरी आइटम्स। सेकेंड, सेट इन ऑर्डर अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम्स इन टू देयर मोस्ट एफिशियंट एंड एक्सेसिबल अरेंजमेंट। सब फाइल्स एक जगह पे, सब बुक्स एक जगह पे, सब पेपर्स एक जगह पे, वेरी गुड। इन शॉर्ट फीफो बेसिस, जो पहले लिया है उसको पहले जगह पे रख दो। प्लेस कॉम्पोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि फाइल्स बहुत ज्यादा यूज होने वाली है थोड़ा पास में रख दो उसको, है ना। वार्डरोब में अगर आपको लग रहा है कि भाई कैजुअल डे टू डे वाली चीजें रहेगी तो उसको एकदम ऊपर रखो, जो एकदम ट्रेडिशनल बहुत कम यूज होगा एकदम नीचे, समझ रहे हो। फिर शाइन, रेगुलर बेसिस पे क्लीन योर वर्क प्लेस डेली, जैसा मैंने बोला अगर सीजर या कुछ है प्लीज रिमूव इट। कीप वर्क सेफ, कीप वर्क प्लेस सेफ, इजी टू वर्क एंड प्लीजिंग। पीपल कैन एबल टू डिटेक्ट प्रॉब्लम विद इन 50 फीट। अगर कुछ भी ऐसा है शाइन करते रहो, क्लीन करते रहो, कोई इश्यू है तो आपके आसपास कुछ अगर ऐसा हो रहा तो दिख जाए। फिर स्टैंडर्डाइज, जैसा मैंने बोला कि अगर आपके फाइल्स है तो येलो कलर की फाइल स्टैट ऑडिट, ग्रीन कलर की फाइल इंटरनल ऑडिट,
ब्लू कलर की फाइल, जीएसटी ऑडिट वन, सो जीएसटी के काम की, स्टैंडर्डाइज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्डरलीनेस, एंड लास्ट है सस्टेन, सस्टेन करते रहो, ट्रेनिंग डिसिप्लिन, प्रॉपर ऑर्डर रखो जो भी आप काम कर रहे हो, डू विदाउट बीइंग टोल्ड, ऐसा बार बार हर हफ्ते आपको कोई याद नहीं दिलाएगा उस चीज, एंड ट्रेनिंग लेते रहो, मंथली फीडबैक लेते रहो एज टू योर ओवरऑल वर्क प्लेस ऑर्गेनाइज मेथड। सो ये कंप्लीट हुआ अपना लीन 3-5S। अगेन यहाँ पे जो भी मैंने हाईलाइट किया है एग्जाम में, उतना आपको अगर 5S का क्वेश्चन आता है तो हर क्वेश्चन में ये जो टिपिकल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं पढ़ लो, वापस से ये लिखकर आना ही आना है। विद दिस वी कंप्लीट लीन 3-5S। अब आता है लीन फोर। लीन फोर का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। भाई आप प्रोडक्शन किससे कर रहे हो? यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स फ्रॉम द मशीनरी। तो मशीनरी एकदम टॉप क्लास कंडीशन में होना चाहिए, नो ब्रेकडाउन, एकदम टॉप स्पीड पे चलना चाहिए, जो आउटपुट आए वो मशीन से वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, एंड ये सब पॉसिबल है लीन फोर विच इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को यूज करके ही, राइट। सो क्या होता है लीन फोर में, लेट्स क्विकली रीड इट आउट। अप्रोच टू इक्विपमेंट मेंटेनेंस दैट स्ट्राइव्स टू अचीव परफेक्ट प्रोडक्शन। परफेक्ट प्रोडक्शन का मतलब नो ब्रेकडाउन, नो स्मॉल स्टॉप्स, नो डिफेक्ट्स, नो एक्सीडेंट्स, एब्सोल्युटली एकदम स्ट्रीमलाइन वे ऑफ प्रोडक्शन। बट उसके लिए मशीन को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप इतना पॉइंट्स क्लियर हो गया। क्या आपको थीम लाइन याद रखना है? नो स्टॉप्स, नो स्मॉल स्टॉप्स एट ऑल, नो ब्रेकडाउन्स एट ऑल, नो डिफेक्ट्स एट ऑल, नो एक्सीडेंट्स एट ऑल। कब हो पाएगा ये पॉसिबल? अगर मैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यूज करता हूं तो। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यूज करने के लिए मेरे को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके पहले देखो, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है? सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम थ्रू मशीन इक्विपमेंट प्रोसेस एम्प्लॉय, ये सब के लिए। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी उसमें आपको ही देना है, सो दैट ही विल मैनेज all the equipments and machines in the best manner possible, creates shared responsibility and keeps equipments in top working condition, ठीक है। so catchwords क्या है? maintaining and improving, क्या integrity, integrity मतलब जैसे वो काम करता है, process होता है पूरा machinery में, integrity of production and quality system through machine equipment process employee, I hope we are clear। plus अपने को यहाँ पे से ये चीजें पिकअप करनी है, अप्रोच टू इक्विपमेंट मेंटेनेंस, क्यों? ताकि मैं परफेक्ट प्रोडक्शन कर करूं, उससे क्या होगा? नो ब्रेकडाउन, नो स्मॉल स्टॉप्स, नो डिफेक्ट्स, नो एक्सीडेंट्स व्हाटसोएवर। आई होप यू आर क्लियर। चलो अब फटाफट अपन लोग देखेंगे कि उसका स्टेप्स क्या है। टीपीएम एम्फसाइज प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रोएक्टिव मतलब आपका मशीन खराब हो उसके पहले ही उसको आप प्लीज ध्यान से रखो, रेगुलर बेसिस पे उसका चेकअप कराते रहो कि भाई बराबर चल रहा है कि नहीं। अगर कोई इश्यू है देन इन दैट केस पहले से ही अपने को मिल जाएगा एंड वी कैन गेट इट सॉर्टेड, एंड देन टू मैक्सिमाइज, इससे बेटर क्या होगा? टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। इट इज लाइक अ बॉडी, बॉडी का रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट आफ्टर यू टर्न 45, सो यू कैन टेल योर पेरेंट्स टू गेट देम चेक्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। व्हाई? सो दैट अगर कोई इश्यू है बॉडी में देन इन दैट केस द डॉक्टर विल बी एबल टू डिटेक्ट, बिकॉज हो सकता है कई बार बॉडी बाद में रिएक्ट करती हो। तो टीपीएम एग्जैक्टली वैसा ही है, डॉक्टर के जैसा आपके बॉडी को या आपके मशीन को स्कैन कर लेगा, कोई इश्यू है जो शायद आउट बाहर से ना दिख रहा हो, इंटरनली हो, वी विल करेक्ट इट इमीडिएटली। क्या उसके लिए स्टेप्स होता है? स्टेज है प्रिपरेशन, आपको पहले पूरे आपके टीम को, ऑफिस को, सबको बताना पड़ेगा कि भाई हाँ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट टीपीएम, एंड से अगर एवरी संडेज को जो मैकेनिक्स है आएंगे रेगुलर बेसिस पे चेक करेंगे। सो ये आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रिपरेशन स्टेज, अनाउंसमेंट टू मैनेजमेंट बाय मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस टीपीएम, फिर इंट्रोडक्शन, इनवाइट कस्टमर्स, कंपनीज एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, यू कैन शो देम दैट कैसे आप अपने मशीनरीज टॉप कंडीशन में रख रहे हो टू गिव द टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन, सो क्या आप प्रोग्राम बना रहे हो रेगुलर बेसिस पे, कितने कितने ड्यूरेशन में आप अपने मशीन का चेकअप करवा रहे हो, ऑल ऑफ दैट विल कम इन स्टेज सी, एंड लास्ट इज टीपीएम इंप्लीमेंटेशन। सो ये रेगुलर बेसिस पे करते जाओ, हो गया। तो चार पॉइंट्स क्या है मेरे? पहले प्रिपेयर करो, सबको बता दो कि यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट टीपीएम, फिर बाद में इंट्रोडक्शन, इंप्लीमेंटेशन एंड इंस्टीट्यूशन। सो जस्ट फोर स्टेप्स, आप खाली रीड कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज एट पिलर्स ऑफ टीपीएम। सो ये एट पिलर्स का जो बेस है दैट इज योर अपना 5S, जो अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 5S के ऊपर अपन को अपना घर बनाना है ऑफ टीपीएम। सबसे पहला जो घर में चीज है वो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस मेंटेनेंस मतलब वर्कर्स एवरीडे बेसिस पे आएंगे और खुद से ही रोज चेक कर लेंगे भाई नट बोल्ट वट बोल्ट बराबर है कि नहीं, कहीं पे ऑयलिंग का जरूरत है कि नहीं। ऑल ऑफ दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर ऑटोनोमस मेंटेनेंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूटीन मेंटेनेंस, ग्रेटर ओनरशिप ऑफ इक्विपमेंट। समझो अभी आप अगर एम्प्लॉय हो और आपको मैं बोलूं कि देखो आपको रोज आना है लेबरर, आपको चेक करना है आपकी मशीन बराबर चल रही है कि नहीं, कोई भी छोटा मोटा एरर होगा तो उसको आप खुद ही ठीक कर लो, तो आपको एक ओनरशिप मिलेगा कि हाँ यार मैं इस मशीन का ओनर हूं, उस हिसाब से आप काम करोगे तो एक ओनरशिप आ जाएगा। इंक्रीजेस ऑपरेटर नॉलेज। सो ऑपरेटर का जो नॉलेज है दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव, बिकॉज अब उसको उसको छोटी मोटी चीजें ठीक करना आ गया है, लुब्रिकेट करना है रेगुलर बेसिस पे इक्विपमेंट को, आइडेंटिफाई इशू बिफोर फेलियर्स, छोटा मोटा कोई भी इशू होगा आइडेंटिफाई दैट एंड मेंटेनेंस पर्सनल को फ्री कर दो। मतलब छोटा मोटा कोई इशू हुआ मशीन में तो वो जो लेबरर है जो उसको मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो खुद ही कर लेगा, मेंटेनेंस पर्सनल जो आपने स्पेसिफिकली एएमसी के लिए रखा है उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, उसको आप फ्री कर दो छोटे मोटे चीजों से। सो ये होता है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूटीन मेंटेनेंस। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सेकेंड है प्लांट मेंटेनेंस। एवरी संडे को हम हमारे मशीन्स को ऑयलिंग कराएंगे, लुब्रिकेंट कराएंगे, चेकिंग करवाएंगे, तो उसको क्या कहते हैं प्लांट मेंटेनेंस। रिड्यूसेस अनप्लांड स्टॉप टाइम। सो पहले से अगर अपन लोग ने एवरी संडे को रखा है देन इन दैट केस अलग से उसको से कोई वीकडे पे थर्सडे फ्राइडे पे अपने को करना नहीं पड़ेगा ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि संडे वैसे भी लेबर नहीं आ रहा है। सो वी कैन डू द प्लान थिंग। मेंटेनेंस टू बी प्लान फॉर टाइम्स इक्विपमेंट नॉट शेड्यूल्ड फॉर प्रोडक्शन। सो संडे को जैसे मैंने बोला शेड्यूल्ड है ही नहीं प्रोडक्शन, अपन कर सकते हैं वो टाइम पे। बेटर कंट्रोल ऑफ वेयर एंड फेलियर प्रोन पार्ट्स एंड रिड्यूसेस इन्वेंटरी बिल्डअप। सो अगर कोई भी पार्ट आपका खराब है तो उसको आप संडे को रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि अगर समझो कोई पार्ट खराब हो गया तो आपको उधर फिर रखना पड़ेगा तो इन्वेंटरी अननेसेसरी बिल्डअप हो जाएगा। या देखो कई बार क्या होता है, समझो तीन मशीन है, मशीन वन प्रोसेस वन, मशीन टू प्रोसेस टू, मशीन थ्री प्रोसेस थ्री, और हो सकता है कि मशीन थ्री खराब हो जाए तो मशीन वन और मशीन टू तो अपना इन्वेंटरी बिल्डअप करते जाएंगे, मशीन थ्री अगर खराब हो गया जिसको आपने प्लांट मेंटेनेंस नहीं कराया देन इन दैट केस आपका अनवांटेड काम अटक जाएगा, आपका फिनिश गुड नहीं बन पाएगा। सो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लांट मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे करते रहे। नेक्स्ट इज क्वालिटी मेंटेनेंस टीपीएम थ्री। क्वालिटी मेंटेनेंस क्या बोलता है कि भाई देखो आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन में अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला है देन इन दैट केस फाइंड आउट द रूट कॉज कि भाई क्यों ये ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया, क्यों हमारा 100% क्वालिटी का जो बेंचमार्क है वो मीट नहीं हुआ, फाइंड आउट दैट कॉज, रिमूव इट, उसको कहते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस। रिमूव रूट सोर्सेज ऑफ डिफेक्ट्स, जो भी क्वालिटी इश्यूज है उसको टारगेट करो सो दैट आपका प्रोडक्ट बेस्ट आएगा एंड द कस्टमर विल बी सैटिस्फाइड। सो डिजाइन एरर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस। सो अगर आपका कोई भी एरर हो रहा है डिटेक्ट हो जाना चाहिए, रूट कॉज फाइंड करो, एंश्योर दैट यू आर क्लियरिंग इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। देन आता है अपना फोकस्ड इंप्रूवमेंट। जो भी एक से फॉर एग्जांपल एक महीना हो गया, एक महीने में आपके जो जो भी एरर्स आए, जो भी इश्यूज आए, जितनी भी मशीन्स है, जितने भी वर्कर्स है, वो लोग का एक मीटिंग होना चाहिए, देयर शुड बी अ डिस्कशन के कौन से मशीन में क्या इश्यू आए, सो दैट ऑल ऑफ दैट कैन बी डिस्कस्ड एंड जो मशीन मैन्युफैक्चरर है या मेंटेनेंस टीम है उनको ये चीज कही जाए एंड नेक्स्ट टाइम दे कैन गेट अ बेटर रिस्पॉन्स। सो फोकस्ड इंप्रूवमेंट क्या करता है, आइडेंटिफाई रिकरिंग प्रॉब्लम्स, पूरा टीम combines collective talent, so small group of employees work together proactively and जो भी issues है वो बता देंगे through focused improvement। next आता है early equipment management। अब machine है उसका एक life है say 3 years 4 years 5 years, अब जब मैं यार ये machine खत्म हो रहा है तो मैं new machine खरीदूंगा, जब मैं new machine खरीदूंगा तो इसको मैं पहले से ही early equipment management, पहले से इसके जो भी मेरे पहले वाले मशीन के इश्यूज आए थे ऑलरेडी आई विल एंश्योर कि इसमें ये कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप जब फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें आपको भी पता होता है कि यार बहुत सारा स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है, फिर जब आप सेकंड प्रोडक्ट बनाओगे तो उसको इंप्रूव करोगे, वैसे ही कुछ अर्ली मैनेजमेंट अर्ली
पहली इक्विपमेंट मैनेजमेंट है आपका। फर्स्ट इक्विपमेंट में शायद एरर्स डिफेक्ट्स वो सब आए होंगे, बट नेक्स्ट टाइम आप आपके प्रोड्यूसर को मैन्युफैक्चरर को बोल दोगे, मशीन मैन्युफैक्चरर की, भाई देखो ये सब इश्यूज आए थे, अब नहीं होना चाहिए। सो अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट रिसर्च रीचेस प्लांड परफॉर्मेंस लेवल्स मच फास्टर। सो अब नेक्स्ट टाइम जो हम प्लान सोच रहे वैसा ही होना चाहिए। मेंटेनेंस इज सिंपलर एंड रोबस्ट क्योंकि आपने अपने ऑलरेडी सजेशंस दे दिया है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टुवर्ड्स डिजाइन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, राइट। सो जो भी मेरा नया इक्विपमेंट बनेगा उसके डिजाइनिंग में ये सब थॉट प्रोसेस काम आएगा। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जितना अपन ट्रेन करेंगे अपने लेबरर्स को टू यूज द मशीन इन द प्रॉपर मैनर उतना अपने लिए बेनिफिशियल होगा, उतने वो बेटर एफिशियंटली यूज कर पाएगा। सो ये आ गया ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। डेवलप स्किल्स टू मेंटेन इक्विपमेंट एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग प्रॉब्लम्स। पर्सनल लर्न टेक्निक्स फॉर प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मैनेजर्स आर ट्रेन ऑन रेगुलर बेसिस। फिर आता है आपका सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट। आपका जो मशीन है, आप लोग ने कई बार सुना होगा कि लेबरर्स का कभी हाथ कट जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सो ये सब क्या है, आप अगर आपका मशीन सेफ नहीं है सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। सो आपका मशीन सेफ होना चाहिए, हेल्थ के लिए बेटर होना चाहिए एंड कोई भी मिसहैप्स उससे नहीं होने चाहिए। सो एलिमिनेट्स पोटेंशियल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। टारगेट्स एक्सीडेंट फ्री वर्क प्लेस। सो पहले से वो सब आप टेस्टिंग करवा लो so that safe and healthy working environment रहे। And last is TPM in administration, regular basis पे आपके ये सब जो TPM techniques है उसको आपको follow करते जाना है so that the waste is minimized and production is absolutely smooth and efficient। So ये थे हमारे 8 you can say pillars of TPM। इसको याद रखने के लिए लोग बहुत सारे shortcuts बनाते हैं। Past EFQ अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। सो मैं जस्ट यहां पे लिख देता हूं PAST, टी दोबारा है EFQ इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर। P stands for प्लांड मेंटेनेंस, A stands for ऑटोनोमस मेंटेनेंस। प्लांड मेंटेनेंस एवरी संडे, ऑटोनोमस मेंटेनेंस खुद लेबरर आके करेगा। फिर S हो गया आपका सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट के हिसाब से, आपका मशीन्स ऐसा हो कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, जीरो एक्सीडेंट फ्री रहे आपका मशीन। टी में दो है TPM इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दूसरा है ट्रेनिंग एंड एडुकेशन मिलता रहे जो भी आपके वर्कर्स है उनको। फिर ई है अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस। नेक्स्ट टाइम जब मशीन खरीद रहे हो तो वो सब जो भी आपको एरर्स दिखे थे यू कैन आस्क द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मशीन टू टेक केयर ऑफ दैट। एफ इज फोकस मेंटेनेंस। टीम बनेगा, जितने भी मशीन्स थे जो भी लेबरर्स उसको यूज कर रहे हैं सब एक टीम बना के डिस्कशन करके दे कैन यूज द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ईच अदर। एंड लास्ट है क्वालिटी मेंटेनेंस। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया देन इन दैट केस क्यों आया है वो रूट कॉज को फाइंड करो, डिफेक्ट को क्लियर करो एंड थिंग शुड लुक गुड। पास्ट EFQ, टी दो बार। सो ये बन गया मेरा घर ऑफ TPM, एक बंगला बने न्यारा, दिख रहा है वैसा। सो इसका बेस क्या है, 5S, इसके ऊपर 8 अपन लोग ने पास्ट EFQ खड़े किए एंड जिससे नो एक्सीडेंट, नो ब्रेकडाउन, बेस्ट क्वालिटी, नो स्टॉपेजेस, आई विल गेट द बेस्ट TPM। एंड वो TPM को मेजर करने के लिए आ रहा है हमारे पास OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आपके एग्जाम के रिजल्ट के जैसा है। सो अभी आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो बट वो पढ़ाई आपने कैसा किया है वो कौन बताएगा, वो इंस्टीट्यूट बताएगा बेस्ड ऑन योर मार्क्स। अगर आपको अच्छा मार्क्स आया तो आपने अच्छा परफॉर्म किया है, वैसा ही कुछ यहाँ पे मशीन के लिए है। मशीन विल कैलकुलेट द ओवरऑल, सॉरी वी विल कैलकुलेट द ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस ऑफ द मशीन। अगर OEE इज ग्रेटर देन 85% तो मैं बोल सकता हूं भाई वर्ल्ड क्लास मशीन है बॉस। अगर OEE 100% है which is next to impossible, किसी को एग्जाम में 800 out of 800 तो आते नहीं है but ठीक है वो परफेक्ट प्रोडक्शन है। 60% fairly typical and 40% में तो अपन फेल हो जाते हैं, वैसे ये मशीन भी फेल हो जाएगा। तो सर ये OEE क्या होता है, परफॉर्मेंस इनटू अवेलेबिलिटी इनटू क्वांटिटी इज कॉल्ड एज OEE परसेंटेज। तो सर ये कैसे कैलकुलेट करना है प्लीज हमको बताइए। तो यो वी आर। सो अवेलेबिलिटी मतलब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जेरोक्स मशीन का।
जब अगर आप कोई जेरोक्स मतलब एक्चुअली वो फोटोकॉपी मशीन है, सो अगर आप कहीं पे फोटोकॉपी करवाने को जा रहे हो तो फोटोकॉपी के लिए वो मशीन होता है, बराबर है। जब भी आप दो अपना कुछ फोटोकॉपी करवाने के लिए अगर वो ऑल टाइम अवेलेबल है, मतलब अवेलेबिलिटी वाइज द मशीन इज वेरी गुड। कई बार मैं मेरे फोटोकॉपी वाले भैया के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ भैया ये करके दे दो ना, अरे नहीं आज मेरा मशीन खराब है, आज मेरा मशीन थोड़ा बराबर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और मैं जब भी दू, जब भी मुझे ऑन द स्पॉट फोटो कॉपी होके मिल जाए, मतलब मेरा मशीन अवेलेबल है, मतलब मेरे मशीन में ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। सेकेंड होता है परफॉर्मेंस। अगर मुझे 100 पेज करवाने हैं तो 100 पेज मेरे को आधे घंटे में करके मिल जाना चाहिए, बट वो बोलेगा नहीं नहीं सर 100 पेज है ना, तो सर 100 पेज करने के लिए तो सर 10 घंटा लगेगा। मतलब स्पीड बहुत स्लो है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सो अगर 100 पेजेस हाफ एन आवर में दे दिया, वाह क्या स्पीड है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर उसने नहीं दिया, देन इन दैट केस सर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, स्पीड लोअर है। एंड थर्ड है मेरा क्वालिटी। मैंने उसको 100 पेज फोटोकॉपी करने के लिए दिया, उसमें से 3 पेज बराबर फोटोकॉपी हुआ ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या फोटोकॉपी किया है, देन इन दैट केस क्वालिटी अच्छा नहीं है। आओ देखते हैं। सो अवेलेबिलिटी कुछ भी स्टॉप्स होना ही नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस नो स्मॉल स्टॉप्स और स्लो रनिंग, क्वालिटी नो डिफेक्ट्स। सो आपने इस तरह से आप ये वाला टेबल बनाया सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है अवेलेबिलिटी में, अवेलेबिलिटी लॉस मतलब इक्विपमेंट या तो फेल हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, सेटअप बराबर नहीं हो पा रहा है। परफॉर्मेंस के इश्यू में आइडलिंग एंड माइनस स्टॉपेजेस, जो काम आधे घंटे का है उसको आप 5 घंटे ले रहे हो, रिड्यूस स्पीड, एंड अगर आपने जो प्रिंट निकाला है वो बराबर नहीं है, रिड्यूस यील्ड, क्वालिटी डिफेक्ट्स या रिवर्क मतलब वापस से मेरे को जेरोक्स निकालना पड़ रहा है, देन इन दैट केस द क्वालिटी इज नॉट गुड। तो इस बेसिस पे APQ अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस क्वालिटी को जज किया जाएगा एंड फिर अपने को पता चलेगा OE क्या 85% के ऊपर है तो वर्ल्ड क्लास है, अगर 60-85 है तो ओके, और 40% है मतलब अपने को मशीन चेंज करने का टाइम आ गया है। अब ये OE फाइन करने के लिए देर आर 3 फॉर्मूलास विच आर टू बी अंडरस्टूड। सबसे पहला फॉर्मूला है अवेलेबिलिटी रेशियो। अवेलेबिलिटी रेशियो का मतलब होता है प्लांट प्रोडक्शन टाइम माइनस टोटल टाइम लॉस पर शिफ्ट अपॉन प्लांट प्रोडक्शन टाइम। सो ये देखो प्लांट प्रोडक्शन टाइम का मतलब क्या होता है, देखो एक शिफ्ट में कभी भी याद रखना इसको अपन OE को शिफ्ट बेसिस पे ही कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे कहीं पे बुक में लिखवा देता हूं सब कुछ, जो भी अपन कैलकुलेट करेंगे ना वो सब शिफ्ट बेसिस पे ही, मतलब एक शिफ्ट के लिए अवेलेबिलिटी रेशियो क्या है, एक शिफ्ट के लिए परफॉर्मेंस रेशियो क्या है, एक शिफ्ट के लिए क्वालिटी रेशियो क्या है, अगर मैं ये शिफ्ट बेसिस पे ही कैलकुलेट करूंगा, समझ गुरु। अब कैसे कैलकुलेट करना है मेरे को अवेलेबिलिटी रेशियो, प्लांट प्रोडक्शन टाइम माइनस टोटल टाइम लॉस पर शिफ्ट डिवाइड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। प्लांट प्रोडक्शन टाइम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज एक पूरे दिन में इधर थोड़ा अपन जगह बना लेते हैं, यस, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में आपके पास एक शिफ्ट में है 10 आवर्स, अगर आपके पास पूरे एक शिफ्ट में है 10 आवर्स और उसमें से आपका कुछ ब्लैंड डाउन टाइम होगा ही होगा, जैसे लंच ब्रेक तो आपको लेना ही लेना है, या ऐसे कोई टी ब्रेक मिसलेनियस ब्रेक्स आपको लेने ही लेना है। सपोज कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी एवरी संडे जैसा अपन ने फिक्स किया है वैसे हर एक कंपनी का कुछ हो सकता है। सो आपका प्लैंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फिक्स है, देन इन दैट केस उतना टाइम माइनस हो जाएगा, तो मैंने माइनस कर दिया 2 आवर्स, तो मेरे पास कितना बच गया, टोटल 8 आवर्स बच गया मेरा, बराबर है। दिस डिवाइड बाय प्लांट प्रोडक्शन सॉरी, तो ये मेरा ऑपरेटिंग टाइम हो गया, सॉरी ये मेरा सॉरी माय मिस्टेक, यहां पे 10 आवर्स माइनस 2 आवर्स जो मैं कर रहा हूं ये मेरा हो गया प्लांट प्रोडक्शन टाइम। इसमें अगर देयर इज अ लॉस ऑफ टाइम पर शिफ्ट, जैसे अगर ब्रेकडाउन हो गया 30 मिनट्स का मेरा ब्रेकडाउन हो गया, सेटअप चेंजेस में मेरे को और 30 मिनट्स लगे, कोई पावर फेलियर हो गया, देन वो भी माइनस हो जाएगा। सो मैं थोड़ा एक क्लैरिटी वापस से दे देता हूं, टोटल टाइम अवेलेबल मेरे पास कितना है, सर टोटल टाइम आपके पास अवेलेबल है 10 आवर्स का, उसमें से फिक्स है लंच ब्रेक टी ब्रेक प्लांड मेंटेनेंस में 2 आवर्स मेरा जाने ही वाला है, तो मेरे पास जो प्लांड प्रोडक्शन टाइम है PPT वो कितना हो गया सर, वो हो गया आपका 8 आवर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरा एक कैलकुलेशन आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कैलकुलेशन आ गया। ओके,
अब इसमें से कुछ अनप्लान्ड टाइम भी जाएगा, जैसे ब्रेकडाउन हो गया, सेटअप टाइम का चेंजेस, समझो वो 1 घंटे का मेरा ऐसे अनप्लान्ड टाइम जा रहा है, तो ले लो 1 आवर का मेरा अनप्लान्ड टाइम है। अनप्लान्ड टाइम में ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस, सेटअप, पावर फेलियर, ऐसा कुछ। तो मेरे पास जो टाइम बचता है 7 आवर्स, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग टाइम। ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय प्लैंड प्रोडक्शन टाइम, तो 7 डिवाइड बाय 8 विल गिव मी माय अवेलेबिलिटी रेशियो। तो 7 डिवाइड बाय 8 कितना होता है? इट इज 87.5%। समझे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करना। तो कैसे करेंगे? वापस से फोकस, टोटल कितना टाइम है एक शिफ्ट में? सर 10 घंटा, उसमें से प्लैंड मेंटेनेंस टाइम जाने ही वाला है सर 2 घंटा, कुछ अनप्लैंड हो गया सर 1 घंटा, देन इन दैट केस ऑपरेटिंग टाइम कितना बचा है सर? 7 आवर्स डिवाइड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम आपके पास कितना था सर? 8 आवर्स। ठीक है, 87.5% ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी था मेरे मशीन का, अवेलेबिलिटी रेशियो आ गया। उसके बाद है मेरा परफॉर्मेंस रेशियो, एक यूनिट बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है एंड एक्चुअल में आपने कितना स्टैंडर्ड टाइम लिया है। सो फॉर एग्जांपल, एक यूनिट बनाने को लगता है आपको 1 घंटा, एंड आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है से 6 यूनिट्स का, सो ये टोटल आपको 6 आवर्स लगना चाहिए था, डिवाइड बाय ऑपरेटिंग टाइम। ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है आपका? ये जो 7 आवर्स आया ना, ये आपका ऑपरेटिंग टाइम है। प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस अनप्लान टाइम, सो डिवाइड बाय, से मैं करता हूं यहां पे 7 आवर्स, तो मेरा परफॉर्मेंस 6 डिवाइड बाय 7 इज 85.72% इज माय स्पीड। ठीक है, सो कितने आवर्स में आइडियली बन जाने चाहिए था ये 6 यूनिट? भाई 1 घंटा लगता है एक यूनिट बनाने को, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 6 यूनिट्स का हुआ, मतलब 6 आवर्स में। बट प्लान प्रोडक्शन टाइम मेरा कितना है वही एक शिफ्ट के लिए सर? इट इज 7 आवर्स। सो वी कैन से दैट, सॉरी, प्लान प्रोडक्शन टाइम नहीं, ऑपरेटिंग टाइम, याद रखना ये और ये आपका ऑपरेटिंग टाइम सेम होगा, तो 6 डिवाइड बाय 7, 85.72% आपका परफॉर्मेंस रेशियो, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग टाइम। ऑपरेटिंग टाइम मतलब प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस अनप्लान प्रोडक्शन टाइम, प्लान प्रोडक्शन टाइम मतलब टोटल टाइम अवेलेबल माइनस प्लान लंच एंड ऑल ऑफ दैट। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? वेरी गुड। लास्ट आता है आपका क्वालिटी, भाई टोटल जो आपका प्रोडक्शन हुआ है उसमें से कितना स्क्रैप निकला, मतलब आपने टोटल प्रोडक्शन किया 100 यूनिट्स का, उसमें से 5 स्क्रैप निकला, मतलब 95 अच्छा प्रोडक्शन हुआ आउट ऑफ टोटल 100 का प्रोडक्शन, यानी आपका क्वालिटी कितना है? 95%। कितना है? 95%। ये देखो मेरा अवेलेबिलिटी रेशियो 87.5 मल्टीप्लाई बाय मेरा परफॉर्मेंस रेशियो 85.72 मल्टीप्लाई बाय 95%। सो अपने एग्जाम्पल में कितना आ रहा है बोलो बोलो, टेल टेल, इनटू 0.95 अपना आ रहा है 71.25%। सो इन आर एज पर आवर एग्जाम्पल 71.25% हो जाएगा मेरा ओईई। समझ गुडू? वापस से अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होता है? प्लान प्रोडक्शन टाइम, प्लान प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल टाइम अवेलेबल माइनस जो मैं लंच ब्रेक ब्रेक लेने ही वाला हूं, माइनस उसमें अगर मैं कर दूंगा अनप्लान प्रोडक्शन टाइम जैसे ब्रेकडाउन, सेटअप, इलेक्ट्रिसिटी, पावर फेलियर, तो मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम विल बी माई अवेलेबिलिटी रेशियो। फिर आता है मेरा परफॉर्मेंस रेशियो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन जो मेरा हुआ है डिवाइड बाय ऑपरेटिंग टाइम, एंड लास्ट है मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस क्वालिटी लॉस ड्यू टू स्क्रैप डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इज माई क्वालिटी रेशियो। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा ओईई। इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा लीन फोर। नेक्स्ट है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग लीन फाइव। आरटीपी में 21 में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, सो लेट्स फोकस। मैंने आपको ऑलरेडी मशीन सेल्स के टाइम पे समझाया था कि देर आर समझो 3 मशीन, अगर वो 3 मशीन का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो WIP क्रिएट होते जाता है। इसके लिए एक मशीन सेल सेटअप होता है, उसी का एडवांस्ड लेवल है हमारा सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि एक सेल बनाते हैं, ठीक है, सेल मतलब क्या होता है? एक केबिन। वो केबिन में एक मैक्सिमम 2 आपके लेबरर्स होंगे, वो लेबरर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द होल प्रोडक्ट। इसको और प्यार से कहते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन या वन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन।
वन फ्लो प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बार में एक यूनिट बनता है, बिकॉज द मशीन आर स्मॉल। सो कैसा एक आपका आउटपुट रहता है पता है क्या, कैसा इसका लेआउट रहता है, सो इट इज सिमिलर टू योर आपका मशीन सेल्स वाला लेआउट। सो क्या आप ये लेआउट को देख पा रहे हो, इधर देखो ये जो लेआउट को आप देख पा रहे हो ना, ये लेआउट के जैसा कुछ होता है आपका, जो मैंने इधर हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज द काइंड ऑफ लेआउट ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। यहां पे एक आपका पर्सन रहेगा एंड ये पर्सन विल ऑपरेट ऑल ऑफ दीज मशीन्स, वहां से आपका आउटपुट आएगा। तो जैसा मैंने बोला था, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग एक ही से कटिंग डिपार्टमेंट पूरा, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट पूरा, असेंबली डिपार्टमेंट, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है, यही छोटी छोटी मशीन्स कटिंग ड्रिलिंग असेंबलिंग करेंगी। यहां पे एक वर्कर होगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड फाइनल आउटपुट वहां से अपने को मिल जाएगा, समझ गए। चलो सो वो पार्ट अपना ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं, लेट्स टेक थिंग्स फॉरवर्ड। ठीक है, सो इक्विपमेंट्स या इसको बोलते हैं वर्क स्टेशन होते हैं छोटे छोटे, वो वर्क स्टेशन पे एक एक पे वो जाता है और एक एक वर्क स्टेशन पे जाके प्रोडक्शन करता है। सो कम हियर, यहां पे देखना, इक्विपमेंट्स एंड वर्क स्टेशन आर अरेंज टू फैसिलिटेट स्मॉल लॉट्स एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। सो क्या करेगा, एक रॉ मटेरियल लेगा, कटिंग वाले मशीन में डालेगा, वहां से आउटपुट आएगा, चेक कर लेगा बराबर है कि नहीं, ड्रिलिंग में डालेगा, तब तक पीछे से वापस कटिंग में एक डाल देगा, आउटपुट आएगा, ड्रिलिंग से आगे आउटपुट, चलो भाई अभी असेंबलिंग में डाल दिया, ऐसे करके प्रोडक्ट आपका कंप्लीट होगा। सो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटेट स्मॉल लॉट्स। इन सेल ऑल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, सो एक ही केबिन में तीनों काम हो रहे हैं, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एकदम आसपास में, इन अ यू शेप लेआउट जो अभी मैंने आपको दिखाया था, क्लियर है, ओके कंटिन्यू करता हूं। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ग्रुप टूगेदर अकॉर्डिंग टू फैमिलीज ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड प्रोवाइड्स डिस्टिंक्टिव एडवांटेज इन दैट मटेरियल फ्लो इज इंप्रूव्ड। सो अभी आपका बिकॉज यू शेप में रखा हुआ है, सो फटाफट जो भी आपके पास मटेरियल है क्विकली आपने मशीन में डाला, सेकेंड आ गया, उसका फर्स्ट का आउटपुट, सेकेंड का इनपुट, सेकेंड का आउटपुट, थर्ड का इनपुट बनेगा, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूसेस डिस्टेंस ट्रेवल फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड इंक्रीजेस ओवरऑल लीड टाइम। सो ओवरऑल आपका जो ये लीड टाइम, मैं इसको बोलूंगा यहां पे मोर ऑफ ओवरऑल कंप्लीशन टाइम। सो कंप्लीशन बहुत फटाफट आपका हो जाता है यूजिंग द सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट, ओके। वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर कोलोकेटेड इन अ सेल। से अब से आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो आपका एक प्रोडक्ट के लिए आपको एक केबिन दे देंगे, दूसरा कोई प्रोडक्ट है उसके लिए दूसरा एक वर्कर को दूसरा केबिन दे देंगे। सो इससे क्या होता है, इंक्रीज वर्क फ्लो, रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम एंड ब्रेक डाउन बैरियर। सो अलग अलग जो भी वर्कर्स है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बना के देंगे। अदरवाइज पहले क्या होता था, कटिंग डिपार्टमेंट वाला कटिंग का ही काम कर रहा है, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट वाला खाली ड्रिलिंग का काम कर रहा है, यहां पे वर्क फ्लो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनाओगे। रिस्पॉन्स टाइम फटाफट, किस चीज का रिस्पॉन्स टाइम, सब जो कटिंग डिपार्टमेंट ने कुछ गलत कटिंग कर दिया तो आपको यहाँ पे कटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओगे कि भाई जब तक वो कटिंग डिपार्टमेंट उसको ठीक नहीं करता फाइनल आउटपुट नहीं आएगा। यहां पे क्या हो रहा है, इन दिस सिचुएशन अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी वर्कर का है, इमीडिएटली अगर उसको कुछ लगा तो ठीक कर देगा वो, किसी और के रिस्पॉन्स के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन बैरियर, सो अब आपके पास कोई बैरियर नहीं है, यू कैन वर्क एज पर योर ओन फ्लो। गोल्स क्या है आपके सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के, मूव एज क्विकली एज पॉसिबल, मेक वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एंड Try to minimize the waste. तो ये आपका definitely focus है कि जितना भी waste कम हो, आपका फटाफट जो product है move हो जाए quickly, and you can make wide variety of products. Advantages, reduction in setup time. In fact, small small machines है, फटाफट आप इसको सेटअप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। रिडक्शन ऑफ डब्ल्यू आई पी क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि एक ही वर्कर है, वो ही सब चीज को कर रहा है, तो उसको तो पता है कि भाई कौन से मशीन में कितना प्रोडक्शन होगा एंड अकॉर्डिंगली वो WIP क्रिएट ही नहीं होने देगा। फिर आता है रिडक्शन इन मटेरियल फ्लो डिस्टेंस, आसपास में है मशीन्स, इंप्रूवमेंट इन मशीन यूटिलाइजेशन, रिडक्शन इन प्रोडक्शन लीड टाइम, मैं इसको बोल दूंगा कंप्लीशन टाइम। सो आपका फटाफट कंप्लीशन होते जाएगा,
इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, बिकॉज आपको पता है कि अगर कोई भी प्रोसेस में कोई इश्यू हुआ है आप उसको इमीडिएटली ठीक कर सकते हो. बेटर वर्कर मोराल, वर्कर को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगा कि हाँ भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूं पूरे के पूरे प्रोडक्ट बनाने के लिए. एंड रिडक्शन इन मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट एंड टाइम, बिकॉज अब वही वर्कर सब काम कर लेगा. सो ये आपके एडवांटेजेस है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के. लेट्स रिपीट, रिडक्शन इन सेटअप टाइम, वर्क इन प्रोग्रेस कम हो जाएगा, मटेरियल फ्लो का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मशीन यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन कंप्लीशन टाइम बेटर हो जाएगा, वर्कर मोरल इंक्रीज, क्वालिटी इंप्रूव, एंड फाइनली रिडक्शन इन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एंड टाइम. समझ गए? सो ये है आपका एडवांटेजेस ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. फिर आता है आपका ये हो गया आपका एडवांटेजेस ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. फिर आता है आपका सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के तीन न्यू कॉन्सेप्ट है ये अब जो पढ़ने वाले अपन. दीज आर द न्यू थिंग्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड. लेट्स फोकस. पहला कॉन्सेप्ट है ग्रुप टेक्नोलॉजी, दूसरा कॉन्सेप्ट है पार्ट्स फैमिली, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेल्स और मशीन सेल्स. ये जो आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी है इसका मतलब होता है कि ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है उसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगने वाला है, क्या क्या टूल्स लगने वाला है, क्या क्या स्पेयर पार्ट्स लगने वाला है, वो सब को आप एक साथ रखते हो उसको कहते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी. यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है, अगर मुझे पढ़ाई करनी है किसी चीज की तो ICAI का मॉड्यूल, पास्ट पेपर, RTP, MTP, नोटबुक, पेन सब साथ में रखूंगा, उस चीज को कहते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी. क्रिकेट किट, बैट बॉल, स्टंप्स, ग्लव्स, सब मेरे को, अगर मेरे को क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट किट में एक बार सब जगह होना चाहिए. सो क्रिकेट किट क्या हो जाता है मेरा? ग्रुप टेक्नोलॉजी. ग्रुप टेक्नोलॉजी के जो इंटरनल पार्ट्स है उसको कहते हैं पार्ट्स फैमिली. मतलब अगर मेरे को कॉस्टिंग पढ़ना है तो ICA का मॉड्यूल लिया, इट इज अ पार्ट ऑफ पार्ट्स फैमिली. ICA का RTP लिया, इट इज अ पार्ट ऑफ पार्ट्स फैमिली. अगर मेरे को क्रिकेट खेलना है तो बैट एक पार्ट फैमिली है, बॉल एक पार्ट फैमिली है, स्टंप्स, ग्लव्स, ये सब क्या इंडिविजुअली एक पार्ट्स फैमिली हो गया. समझे? आपको फिर भी एकदम डिटेल में समझना है तो यहां पे आपको एक बारकोड मिलेगा, खाली वो स्कैन करना. 3 hours का पूरा वीडियो है एक्सक्लूसिवली सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या हो गया, जितना भी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें है मेरा सब एक मेरे केबिन में आ जाएगा, मैं बोलूंगा ग्रुप टेक्नोलॉजी. इंडिविजुअल पार्ट्स इन दैट इज कॉल्ड एज पार्ट्स फैमिली. सो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इन विच पार्ट्स हैविंग सिमिलैरिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फंक्शन आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन लोकेशन. सो एक जगह पे सब मिल जाएगा. पार्ट्स फैमिली ऑल इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ ग्रुप टेक्नोलॉजी. और फिर आता है आपका मशीन सेल्स, मतलब कौन सी मशीन साथ में रखनी है, मशीन वन, फिर मशीन टू, फिर मशीन थ्री, फिर मशीन फोर, तो एक केबिन में कौन सी मशीन साथ में रखनी है सो दैट मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो पाए प्रॉपरली एंड विद स्मूथ फ्लो, उसको अपन कहेंगे मशीन सेल्स या मैन्युफैक्चरिंग सेल्स. ये जो मशीन सेल्स है इसको और पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहला है सिंगल मशीन सेल, इसका मतलब खाली एक मशीन है, एक मशीन से आपको प्रोडक्शन करना है, उससे रिलेटेड जो भी टूल्स है आसपास में रख लो. सो वन मैन वन मशीन, जो भी टूल्स है आसपास में रख लिया, प्रोडक्शन हो गया, बिंगो. उसके नीचे आता है ग्रुप मशीन. अगर ग्रुप मशीन है, फॉर एग्जांपल मशीन वन है, मशीन टू है, मशीन थ्री है, ये मशीन वन टू थ्री में अगर मेरे को पर्सनल लेवल पे, मतलब मेरे को मैकेनिकली, समझो मशीन वन ने कटिंग करके दिया, फिर मेरे को मैकेनिकली लेके जाना पड़ रहा है मशीन टू के पास ड्रिलिंग के लिए, फिर ड्रिलिंग डिपार्टमेंट से ड्रिलिंग हो गया, फिर मेरे को बोलते ना फिजिकली लेके जाना पड़ रहा है असेंबली मशीन के पास, इसको कहते हैं ग्रुप मशीन विद मैनुअल हैंडलिंग. अगर मैंने उसमें कन्वेयर बेल्ट लगा दिया तो क्या होगा, यहां पे एक मशीन से कटिंग होगा, कन्वेयर बेल्ट में जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे दूसरे मशीन में जाएगा, दूसरे मशीन में मैं उसको मैकेनिकली पुटअप कर दूंगा, प्रोसेस हो जाएगा, बाहर आके ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट से तीसरे मशीन पे चले जाएगा, वहां पे मैं पिकअप कर लूंगा. अगर और तो इसको कहते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी, सॉरी ग्रुप मशीन सेल विद सेमी इंटीग्रेटेड, मतलब थोड़ा ऑटोमेटिक हो रहा है, थोड़ा मुझे प्रोसेस में डालना पड़ रहा है, थोड़ा ऑटोमेटिक हो रहा है, थोड़ा मुझे प्रोसेस में डालना पड़ रहा है, समझ रहे हो. और लास्ट होता है ग्रुप मशीन सेल, वहां पे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मतलब आपने को खाली फर्स्ट मशीन में डालना है,
ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट से जाएगा आगे, सेकेंड मशीन में ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा खुद ही, थर्ड मशीन में जाएगा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा, सीधा आपको मिलेगा फिनिश प्रोडक्ट। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। सो ये जो मैनुअल हैंडलिंग वाला है वो यूजुअली यू शेप शेल रहता है, और बाकी जो मेरे है वो इन लाइन लेआउट या लूप लेआउट के फॉर्म में रहते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो क्या बोला, ग्रुप मशीन विद मैनुअल हैंडलिंग, पूरा खुद लेके जाना पड़ रहा है, ग्रुप मशीन विद सेमी इंटीग्रेटेड हैंडलिंग एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। समझ गए। सो ये है आपका ओवरऑल सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। फिर आता है लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें है अपना पार्ट फैमिली ग्रुपिंग। तो जो भी मशीन से रिलेटेड, जो भी समझो चार मशीन है अपना ग्रुप मशीन सेल है, तो उसमें चार मशीन होगा, तो जो भी उसके स्पेयर पार्ट प्रोडक्ट्स आसपास रखने चाहिए अपने को, मशीन को उस हिसाब से सेट करना चाहिए कि सिमिलैरिटी मशीन साथ में हो, सो दैट प्रोडक्ट प्रोडक्शन बिकम्स इजियर, फॉर्म पार्ट फैमिलीज विद मशीन साइमल्टेनियसली। सो इन शॉर्ट, जो आप मशीन सेल बनाओगे सिमिलर मशीन को रखो, उससे रिलेटेड जो पार्ट टूल्स पेयर्स है वो भी साथ में रखो, सो दैट प्रोडक्शन बिकम्स वेरी स्मूथ। क्लियर? और इसी चीज को कहते हैं, यही कॉन्सेप्ट को डिराइव करने को कहते हैं रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। मतलब मैं आपको समझाता हूं कि अगर समझो मेरे फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स है और मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सी मशीन मैं साथ में रखूंगा, सो दैट प्रोडक्शन फ्लो बिकम स्मूथ एंड ईजी, उस चीज को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं अपन रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। अगर इसका डिटेल्ड मेरे सम का वीडियो देखना है, प्लीज आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, बारकोड मैंने यहां पे दे दिया है, स्कैन कीजिए, यू विल गेट द लेक्चर एंड यू कैन इजीली वॉच इट। वापस से मैं आपको बोल रहा हूं, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या है, मेरे को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे मशीन है, तो कौन से एक केबिन में कौन से मशीन को मैं प्लेस करूं, सो दैट प्रोडक्शन बिकम्स वेरी स्मूदर एंड इजियर, उस कॉन्सेप्ट को डिराइव करने के लिए यूज होता है रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। एक समझ गए। सो भाई, रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, ये मशीन्स को साथ में रखना चाहिए, सो दैट ये प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा। डन। तो ये इसके एडवांटेजेस क्या है, मटेरियल फ्लो बराबर होता है, किसके रोका के एडवांटेजेस, मशीन यूटिलाइजेशन हो जाता है, स्पेस यूटिलाइजेशन, बिकॉज आपको पता है कि कौन सा मशीन सबसे बेस्ट है, रोका आपको वही तो फाइंड करके दे रहा है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी कॉम्पोनेंट स्टैंडर्डाइज है साथ में रहेंगे, एम्प्लॉय मोरल बढ़ेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा। डिसएडवांटेज क्या है, आपको बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कौन सा मशीन कहाँ आए, पेपर वर्क सॉल्व करना पड़ेगा ना, कि कौन सा एल्गोरिदम में क्या बैठेगा, सेटअप टाइम, डाउन टाइम। सेटअप टाइम मतलब बेसिकली आई थिंक एक वन टाइम आपको जब फर्स्ट टाइम सेटअप करना है तब वो टाइम लगेगा। वर्क मूवमेंट, वर्क डब्ल्यू आई पी, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ सकता है आपका थोड़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैब कॉस्टिंग कॉस्ट कैन इंक्रीज। अगर कभी कभार क्या हो जाता है, एक ही मशीन दो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, सो आपको इन दैट टाइम थोड़ा सा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लग सकता है कि भाई एक मेरा मशीन में प्रोडक्ट बना, फिर दूसरा मेरे को प्रोडक्ट वही मशीन में अगर बनाना है, देन इन दैट केस थोड़ा उसके लिए मेरे को मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ सकता है। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये हो गया आपका सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। आई होप सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। यू शेप सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो आपको एग्जाम में आता है तो क्या लिखना है, फैसिलिटेट स्मॉल लॉट्स, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, और क्या अरेंज कर रहे हैं अपन लोग, वी आर अरेंजिंग इक्विपमेंट्स एंड वर्क स्टेशंस आर अरेंज सो दैट स्मॉल लॉट्स फैसिलिटेशन हो जाए एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हो जाए। इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी यू शेप सेल्स आर मेड। बिंगो, एक बार गो थ्रू कर लो, यू विल बी थ्रू। सो बेनिफिट, वर्क फ्लो बेटर हो जाएगा, रिस्पॉन्स टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ब्रेकडाउन बैरियर्स, गोल्स मूव क्विकली एज पॉसिबल, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उसे फटाफट बना सकते हो, वेस्ट मिनिमाइजेशन। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के कुछ एडवांटेजेस है, सेटअप टाइम रिड्यूस, वर्क इन प्रोग्रेस रिड्यूस, मटेरियल फ्लो डिस्टेंस रिड्यूस, मशीन यूटिलाइज बेटर हो जाएगा, क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, वर्कर मोरल विल डेफिनेटली इंक्रीज। फिलहाल अपना सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग रोका के लिए तीन कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, क्या ग्रुप टेक्नोलॉजी, ओवरऑल क्या क्या चाहिए सब, पार्ट फैमिलीज, ग्रुप टेक्नोलॉजी के इंडिविजुअल एस्पेक्ट को कहते हैं पार्ट फैमिलीज, फाइनली मशीन सेल्स, जो मेरे को केबिन सेटअप करना है वो मेरा मशीन सेल हो गया।
राइट. फिर टाइप्स ऑफ मशीन सेल्स, ये आप लोगों को प्रॉपरली आई एम श्योर समझ गया होगा, आप लोग एक बार रीड कर सकते हो. फिर अपन लोग ने रोका का कॉन्सेप्ट डिराइव किया कि भाई कौन सी चीजें क्या बेटर वे में रखेंगे तो अच्छा होगा अपने लिए, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड लीन फाइव डन एंड टेस्टेड. नेक्स्ट इज लीन सिक्स. सिक्स सिग्मा सबसे सिंपल, क्योंकि अपन वो पढ़ चुके हैं पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में. सो लीन सिक्स किसके ऊपर फोकस करता है? एनी प्रोसेस विच रिजल्ट्स इनटू डिफेक्ट इन क्वालिटी, विच रिजल्ट्स इन कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन. सर इतना सारा इंग्लिश तो आता ही नहीं है. ओके, सो अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, वो प्रोसेस से आपका जो आउटपुट आ रहा है उसमें क्वालिटी डिफेक्ट आ रहा है, देन इन दैट केस कस्टमर विल नॉट बी सैटिस्फाइड एंड वी वॉन्ट टू स्टॉप दैट क्वालिटी इशू. यानी जीरो डिफेक्ट, एक्सक्लूसिवली फोकस्ड क्वालिटी, हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन विल गिव यू सिक्स सिग्मा. आओ पढ़ते हैं. सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक टू एलिमिनेट डिफेक्ट्स दैट अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो कोई भी डिफेक्ट जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर इंपैक्ट हो रहा है, वी डोंट वॉन्ट दैट. फोकस ऑन सिक्स सिग्मा किसके ऊपर रहता है? परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस टू अचीव जीरो डिफेक्ट. गोल किस चीज के ऊपर है? परफेक्शन के ऊपर. देखो क्या होता है, वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा. थ्री सिग्मा मतलब अगर वन सिग्मा है, टू सिग्मा है, मतलब आपके 10 लाख में से 5 लाख 6 लाख यूनिट खराब निकल रहे, डिफेक्टिव निकल रहे. तो अगर आप टू सिग्मा लेवल पे हो ना, तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा सकते हो, आपका इस बिजनेस में कोई काम नहीं है. थ्री सिग्मा भी आज की तारीख में एक्सेप्टेबल नहीं है, फोर सिग्मा फिर भी एक्सेप्टेबल है. फोर सिग्मा मतलब अगर मैं 10 लाख यूनिट बना रहा हूं तो उसमें से 2 लाख, सी मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ अप्रोक्सीमेट नंबर, 10 लाख में से अगर 2 लाख यूनिट मेरे खराब निकले तो फिर भी एक बार वो एक्सेप्टेबल लेवल है. सिक्स सिग्मा बोलता है 10 लाख में से खाली 3 यूनिट आपके डिफेक्टिव निकलने चाहिए, मतलब 99.9997% का accuracy से मेरे को डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना है. इफ आई एम एबल टू डू दैट, देन आई हैव अचीव्ड सिक्स सिग्मा. समझ गए? सो ये लेवल पे काम करते हैं हमारे जापानीज पीपल. अगर मैं 10 लाख में से खाली 3 प्रोडक्ट डिफेक्टिव बना रहा हूं तो ऑब्वियसली कस्टमर विल बी सैटिस्फाइड एंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन फैक्ट. सो अगर आई विल चेक 10 लाख में से कितने यूनिट मेरे खराब बने, उस बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि भाई आई एम इन 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और सिक्स सिग्मा है भाई. चलो इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा के लिए 2 टेक्निक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. एक होता है डीमैट, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करो. दूसरा होता है डीमैट भी, विच इज इंप्रूविंग न्यू प्रोसेसेस. मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा हमारे टाटा का. से फॉर एग्जांपल टाटा नैनो, ऑब्वियसली टाटा नैनो अभी बंद हो चुकी है, बट अगर टाटा नैनो ने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव किया होता, इट वुड हैव बीन बेटर अगर उन्होंने डीमैट यूज किया होता. और डीमैट भी इज फॉर न्यू प्रोसेसेस, मतलब टाटा की अगर कोई एकदम न्यू कार आ रही है, से टाटा एल्ट्रॉस या टाटा सफारी लेते हैं, देन इन दैट केस टाटा सफारी के लिए अपन क्या यूज करेंगे? डीमैट भी. आओ लेट्स कंटिन्यू विद दिस एग्जाम्पल. तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि भाई टाटा नैनो में क्या इश्यूज हुए. कस्टमर से मिलो टाटा नैनो को जो यूज कर रहे हैं, कि भाई उनसे समझो क्या प्रॉब्लम्स आया है. सो डिफाइन, सबसे पहले डी, डिफाइन द प्रोजेक्ट कस्टमर इश्यू, क्या अपॉर्चुनिटीज है अब आगे आपके पास, क्या गोल्स को आपको अचीव करना है फॉर इंश्योरिंग द बेस्ट. सो पहला है डिफाइन, दूसरा है मेजर. मेजर करो कि भाई कितने टाटा नैनोज में इश्यू आया, कौन से प्रोसेस में इश्यूज आया, क्या क्वालिटी का इश्यूज था या बिल्ड का इश्यू था, ऑल ऑफ दैट. फिर थर्ड होता है एनालाइज, अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को एनालाइज करो. तो एक बार आपने मेजर कर लिया कि भाई ये चीजों में एक्स वाई जेड इश्यूज आया, मेजर मतलब न्यूमेरिक्स में कि भाई इंजन ने फायर पकड़ लिया, ऐसे 100 में से 10 गाड़ी में इंजन ने फायर पकड़ लिया. फिर आप देखो कि भाई अगर 100 में से 5 गाड़ी का बिल्ड अच्छा नहीं था, मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ, देन इन दैट केस द होल टाटा नैनो गॉट क्रश्ड. ऐसे आपको अलग अलग मेजर्स निकालने हैं कि क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है. फिर एनालाइज करना है, अगर इंजन हैज कॉट फायर इन 10 out of 100 कार्स, देन इन दैट केस इंजन के ऊपर फोकस करो. एनालाइज करके इंजन को इंप्रूव करो, जो आपका नेक्स्ट आई है डीमैक का आई. सो प्रोसेस टू एलिमिनेट रूट कॉज, या अगर आपने बोला कि भाई आपका बिल्ड अच्छा नहीं है, तो आपका जो गाड़ी का जो पूरा पार्ट्स है, जो बाहर का गेट हो गया एंड उसका जो बोनट है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, सो दैट इफ देयर इज एनी कोलिजन, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा गाड़ी खराब हो जाए. एंड देन लास्ट में है कंट्रोल, इंप्लीमेंट द न्यू प्रोसेसेस. तो आपने यहां पे जब एनालिसिस करना चालू किया, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोसेस
इसमें इंजन जल रहा है तो अपने को नया इंजन लाने का जरूरत है। तो ये आपने एनालिसिस कर लिया। अब जब आप नया इंजन लेकर आओगे अच्छी कंपनी का, तो आपने इंप्रूवमेंट किया है एंड देन वो इंप्रूवमेंट को आप अपने नए वाले प्रोडक्ट जब बनाओगे उसमें इंप्लीमेंट करोगे। सो आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए क्या यूज होता है? डीमैट, डिफाइन टाटा नैनो, आपको ध्यान रखना है। डिफाइन द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, कस्टमर को क्या इश्यूज आया, अब क्या अपॉर्चुनिटीज है, ऑल ऑफ दैट। सेकेंड इज मेजर, करंट परफॉर्मेंस को मेजर करो कि इंजिन कितना खराब हुआ, उसका जो एक्सीडेंट की वजह से बॉडी है उस पर क्या इंपैक्ट आया। थर्ड है एनालाइज, एनालाइज द एग्जिस्टिंग प्रोसेस और उसमें क्या क्या कैसे कैसे अपने को नेक्स्ट स्टेप पे इंप्रूवमेंट करना है। एंड देन फाइनली कम्स योर कंट्रोल, जहां पे आप स्टैंडर्डाइज्ड इंप्रूवमेंट प्रोसेसेस सेटअप कर दोगे सो दैट आपकी जो भी अब नेक्स्ट कार्स बनेगी टाटा नैनो की वो उस इंप्रूव्ड मेथड के हिसाब से बनेगी। एंड फिर होता है आपका डीमैट भी, अगर एक टोटली न्यू प्रोडक्ट बनाना है आपको, जैसे मैंने बोला टाटा सफारी समझो उसको बनाना है, तो टाटा सफारी के लिए बोलो क्या कर सकते हैं, पहले डिफाइन करो कि कस्टमर की नीड्स क्या है, क्योंकि आप एक टोटली नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो कस्टमर की नीड्स क्या है, उनको किस टाइप का कार चाहिए, मतलब ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जैसा है अपना टाटा सफारी, क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितना स्पीड होना चाहिए, वो सब चीजें आप डिफाइन कर लो। तो हु आर बेस्ट कस्टमर्स एंड व्हाट आर देयर प्रायोरिटीज, हाउ इज प्रोसेस परफॉर्मिंग एंड इज मेजर्ड। सो जैसा मैंने बोला कि कितना स्पीड होना चाहिए, कितना इंजन का पावर होना चाहिए, हॉर्स पावर होना चाहिए, कितना सीटिंग कैपेसिटी होना चाहिए, न्यूमेरिकली ये सब आपको पता करना पड़ेगा और फिर एनालाइज करो कि भाई इसमें से कौन सी चीजें आप अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इफ यू आर एबल टू डू दैट देन डिजाइन अकॉर्डिंगली एंड फाइनली आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो भी सोचा था वो आप बराबर से इंप्लीमेंट कर पाए या नहीं, विच इज कॉल्ड एज द वेरिफिकेशन प्रोसेस। सो अपन क्या कर रहे हैं, टाटा सफारी को एनालाइज कर रहे हैं। टाटा सफारी अगर मेरे को बनानी है टोटली न्यू प्रोडक्ट स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो भी मेरे कस्टमर्स हैं उनसे उनका एक्सपेक्टेशन समझ लूंगा, फिर बाद में मैं एम विच इज माय मेजर प्रोसेस को मैं मेजर कर लूंगा कि भाई ओके ये प्रोसेस के लिए कितना खर्चा होगा, कितना टाइम जाएगा, ऑल ऑफ दैट। देन इज योर एनालिसिस पार्ट और क्या स्कोप है मेरे लिए, फिर है मेरा डिजाइन। अब जितना भी मैंने एनालिसिस किया है डिजाइन डिफाइन मेजर एंड एनालाइज में, उसको अब मेरे को डिजाइन करना है। ओके अब फाइनल हो गया भाई, ये मेरा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, इधर इंजन आएगा, ये उसका बोनट होगा, इधर उसका स्पीड कैपेसिटीज होगा, ऑल ऑफ दैट। फाइनली डिजाइन करके आप उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने डिफाइन स्टेज में कस्टमर को बोला था, वैसा ही आपका ये प्रोडक्ट आउटपुट आ रहा है या नहीं। सो दिस इज योर डीमैट, define, measure, analyze, improve, control, and here is your DMAT V for new processes, define, measure, analyze, design and verify. Finally aata hai apna limitations of Six Sigma. I don't buy this fact ki mere hisab se to kuch ye bahut zyada limitation hai nahi, ki it focuses on quality only to acha hai na, बट नहीं, एक और भी चीजों पे इनको फोकस करवाना है। डज नॉट वर्क विद इनटेंजिबल रिजल्ट्स, सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, अग्रीड, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव करना है मतलब आपको आपके सब प्रोसेसेस को चेंज करना पड़ेगा अगर सिक्स सिग्मा चाहिए तो, वो लेवल का कि 10 लाख में से खाली 3 खराब हो सकता है। नॉट ऑल प्रोडक्ट्स नीड टू मीट सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा। सिक्स सिग्मा इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर सम टास्क, ओके, फोकस इज ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस ओनली, मेरे हिसाब से तो इट फोकस ऑन एवरीथिंग। देर आर लॉट ऑफ रियल टाइम बैरियर्स वाइल एंश्योरिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये एक आप खाली रीड कर सकते हो फॉर योर बेनिफिट। सिमिलैरिटीज बिटवीन डीमैक एंड डीमैट वी, सो कुछ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलैरिटीज पहला है डीमैक और डीमैट वी में, बोथ आर बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स पर मिलियन, बिकॉज वो तो सिक्स सिग्मा का मेन थीम है, बोथ यूज सेम काइंड ऑफ सिग्मा क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स, बिकॉज आप देखोगे तो डीमैक डीमैट वी ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिफाइन मेजर एनालाइज वहां तक तो सब सेम है। फिर कस्टमर्स नीड्स आर बेसिक पैरामीटर्स फॉर बोथ मेथोडोलॉजीज, वेरी नाइस, एंड बोथ मेथोडोलॉजीज आर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोसेस। डिसिमिलैरिटीज भी है कुछ, लेट्स सी। सबसे इंपॉर्टेंट डिसिमिलैरिटी है कि डीमैट फोकसेस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोसेस, डीमैट भी फोकसेस ऑन डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड इट फोकसेस ऑन न्यू प्रोडक्ट्स। ये है रिएक्टिव प्रोसेस, मतलब आपने टाटा नैनो बना दिया, अब उसके बाद आपको लग रहा है अरे यार इंजन बर्स्ट हो रहा है, अरे यार स्पीड बराबर नहीं है, तो आप
उसमें क्या करोगे, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो। वेयर एज डीमैट भी क्या है, प्रोएक्टिव, मतलब आपने सफारी बनाया उसके पहले ही आपने पूरा एनालिसिस और रिसर्च कर लिया, दैट बिकम्स अ प्रोएक्टिव प्रोसेस। इंक्रीजेस द कैपेबिलिटी, इट इंक्रीजेस द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बिकॉज अब आप और बेटर वे में टाटा नैनो को डिजाइन कर सकते हो। रूपी बेनिफिट्स क्वांटिफाइड रादर क्विकली, क्योंकि आपको पता था कि भाई पहले आपका कितना सेल्स हो रहा था, इंप्रूव करने के बाद कितना सेल्स होगा, सो इजी हो जाता है। यहाँ पे डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई बिकॉज आपके पास कोई पास्ट प्रिसिडेंस ही नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ डीमैक प्रॉब्लम, रिड्यूसेस द साइकिल टाइम टू प्रोसेस अ पेटेंट, रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर्स, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। एंड यहाँ पे डीमैट वीक अगर अपने को देखना है तो एड अ न्यू सर्विस, रियल टाइम सिस्टम, मल्टीपल सोर्स लीड ट्रैकिंग सिस्टम। सो ये अगर मैंने इंप्लीमेंट कर दिया देन ये हो जाता है मेरा डिसिमिलैरिटीज, आवी अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे अपना लीन सिक्स भी कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने बोला था ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ लीन है एंड आपको आई एम श्योर इसका काफी सारा आइडिया भी होगा। अब अपन लोग आ रहे हैं अपने लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर एंड दैट इज प्रोसेस इनोवेशन एंड बीपीआर। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब होता है अगर आपके कोई प्रोसेस में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड आप लेकर आ रहे हो तो इट इज प्रोसेस इनोवेशन। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने इसको, शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से आप देख सकते हो पीडीएस। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा ये सब शॉर्ट फॉर्म वॉर्ट फॉर्म के चोचले में मत पड़ना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म रखोगे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और उसमें से कोई आप शॉर्ट फॉर्म भूल गए तो आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाएगा। तो थोड़े बहुत रखो ठीक है, बाकी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड जितना आप पढ़ोगे या खुद से लिखोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, बता दूं मैं आपको। सो प्रोडक्शन में डिलीवरी एंड सपोर्ट सर्विसेज, दीज आर द थ्री प्लेसेस जहां पे प्रोसेस इनोवेशन एक्चुअली अप्लाई होता है। सो अगर आपका कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसको आपको लगता है कि आपको स्ट्रीमलाइन करना है एंड इससे आपका ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो जाएगा, देन दैट कैन बी डन। डिलीवरी, अभी आज की तारीख में अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे लॉजिस्टिकल फर्म्स हो गए हैं, सो कस्टमर डिलीवरी की जहां पे बात है उसमें इफ यू आर इंप्रूविंग योर प्रोसेसेस, जैसे आप अगर कस्टमर प्रोसेसिंग ऑर्डर ले रहे हो उसको प्रोसेस करने का, तो ये सब चीज को आप ऑटोमेट कर दोगे, that becomes a part of your delivery. And last is your support services, which is like your after sales. So agar aapke after sales services support mein kuch better processes improve kar rahe ho, so that is a part of your process innovation. So kya teen cheez bola main public, pehla production, matlab aapke manufacturing process mein agar jaisa abhi apan log ne group technology dekha tha, yaad hai usme group machine sales mein maine aapko bola tha flexible manufacturing system, everything is automated, ek machine se dusra machine se tisra machine, finally output aayega, everything is automated, that is what, that is automated production. So usme kya kiya woh log ne, process improvement kiya. Second apna kya aaya, delivery. Delivery mein agar aap log koi automation introduce कर रहे हो, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस इनोवेशन इन डिलीवरी। एंड लास्ट है सपोर्ट सर्विसेज, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए अकाउंटिंग मैनेजमेंट, इसमें अगर कोई आपने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट किया दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस इनोवेशन ऑफ सपोर्ट सर्विसेज। डन। लास्ट है आपका बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यानी एकदम धमाका कर दो। डोमिनोज, आप लोग सब लोग ने पिज्जा खाया है ना, डोमिनोज का, डोमिनोज इंप्लीमेंटेड बीपीआर इन देयर सिस्टम। एक टाइम आ गया था जब डोमिनोज का प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदा, मतलब डोमिनोज का जो पिज्जा थे ना उसके लिए फीडबैक्स उनको मिलने लगे कि ये डोमिनोज का पिज्जा नहीं, ये कार्डबोर्ड है, ये चीज नहीं, ऐसा लग रहा है कि रबर है, तो हम लोग रबर खा रहे हैं कार्डबोर्ड खा रहे हैं, इस एक्सटेंट के कस्टमर रिव्यूज आ गए थे डोमिनोज के पास। डोमिनोज ने बोला कि यार अगर इतने बुरे कस्टमर रिव्यूज आए देन इन दैट केस हमको तो हमारा कंपनी बंद करना पड़ेगा। तो डोमिनोज ने क्या किया, डोमिनोज ने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग किया, जहां पे उसने अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दिया एंड टुडे डोमिनोज का जो ग्रोथ है दैट ग्रोथ इज इवन हायर देन नेटफ्लिक्स और एप्पल और इवन गूगल। जी हाँ, लास्ट 5 साल का डोमिनोज का ग्रोथ देखोगे ना, ये सब कंपनी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इंप्लीमेंट किया बीपीआर। ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी आ रही थी, खत्म होके बंद हो जाने वाली थी, तभी उसको उठाया किसने, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से। क्या किया उन्होंने, फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल रीथिंकिंग फॉर डोमिनोज वॉज वॉट, कि भाई हम लोग का जो बेसिक हम लोग इंग्रीडियंट यूज कर रहे हैं पिज्जा बनाने के लिए, क्यों ना उस इंग्रीडियंट को बेटर वे में इंप्रूव किया जाए, सो दैट जो कस्टमर रिव्यू है कि कार्डबोर्ड एंड ऑल ऑफ दैट That will go away. So thin crust and all of that was introduced. Radical redesign. So आपका जो चीज है
चीज बर्स पिज्जा और ये सब कहां से आया, ये उनके बीपीआर टेक्निक से आया। सो अगर आप पूरा डिजाइन चेंज कर रहे हो, फंडामेंटल रीथिंकिंग कर रहे हो इन द प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स, फिर उन्होंने कस्टमर को ही बुलाया, कस्टमर से उन्होंने इंप्रूवमेंट के सजेशंस लेते गए कि क्या करना चाहिए सो दैट दे कैन गिव द बेस्ट पिज्जा टू द कस्टमर्स, वो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट किया उन्होंने एंड फाइनली कस्टमर लाइक्ड इट। सो फंडामेंटल रीथिंकिंग क्या याद रखना है, डोमिनोज का पिज्जा का क्रस्ट फंडामेंटल रीथिंकिंग किया, थिन क्रस्ट लेकर आए, रेडिकल रीडिजाइन चीज बर्स पिज्जा, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट कस्टमर फीडबैक से, फिर सब ये पनीर टिक्का और इतने सारे वेरिएंट्स लेकर आ गए वो लोग पिज्जा में। ये तीन चीज के ऊपर हार्डकोर फोकस किया, क्या फंडामेंटल रीथिंकिंग, एवरीबॉडी विद मी, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, वंस ऑल दीज थ्री वॉज डन इन क्रिटिकल टेम्पररी मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस सच एज कॉस्ट क्वालिटी सर्विस एंड स्पीड। कॉस्ट रिड्यूस किया, थिन क्रस्ट बना के वो लोग ने कॉस्ट रिड्यूस किया, क्योंकि पहले वो लोग किसी और से बनवाते थे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब हम इनहाउस बनाएंगे। सो पहला क्या हुआ, कॉस्ट रिड्यूस, फिर क्वालिटी इंप्रूव, कार्डबोर्ड नहीं थिन क्रस्ट बहुत क्रिस्पी मजा आ जाएगा, फिर सर्विस बेटर किया, 30 मिनट्स में आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो पैसा पूरा वापस, एंड स्पीड दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ, सो सर्विस एंड स्पीड उन्होंने अच्छा किया एंड देयर यू आर इस लेवल पे पहुंच गए। तो क्या क्या किया, फंडामेंटल रीथिंकिंग, सो जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कैसे उसको और अपन लोग इंप्रूव करें, क्वेश्चन करो, रैशनली पूछो अपने बिजनेस में कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट एवर यू डूइंग इज इट राइट, उसको और कैसे बेटर कर सकते हो, क्या तरीका है, रेडिकल रीडिजाइन, सो फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, गेटिंग टू द रूट कॉज, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, बिकॉज आप बीपीआर यूजुअली तभी अप्लाई करोगे जब आपके कस्टमर्स आपसे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। सो गेटिंग टू द रूट कॉज एंड इट इज अबाउट बिजनेस री इन्वेंशन, जैसा मैंने आपको बताया। फिर आता है ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, अचीव क्वांटम लीप्स इन परफॉर्मेंस, हाँ छोटा मोटा नहीं, क्वांटम लीप्स इन परफॉर्मेंस, एंड लास्ट है प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच आप सेटअप कर लोगे। फिर एक बार उनका फंडामेंटल रीथिंकिंग करके उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर अपना कमांड जमा लिया, रेडिकल रीडिजाइन किया, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट किया, अब फिर उन्होंने प्रोसेस सेट कर दिया कि भाई ओके ऐसा ही पिज्जा बनेगा, इतना ही चीज जाएगा, इतना ही इसके ऊपर इतनी सारी वेराइटीज आएंगी, एंड देन वो एक प्रोसेस सेट हो गया। अब आप कोई भी डोमिनोज के सेंटर में जाओ, एक ही तरह का आपको पिज्जा मिलेगा, भले आप दिल्ली में खाओ, बॉम्बे में खाओ या कलकत्ता में खाओ, ऑलमोस्ट इट विल बी सेम, बिकॉज उन्होंने क्या कर दिया, फिर उसको प्रोसेस सेंट्रिक अप्रोच में कन्वर्ट कर दिया। सो वट एवर काइंड ऑफ पीपल वर्क दे डू, जो स्किल्स चाहिए, वे इन विच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, एवरीथिंग वॉज नाउ प्रोसेस ओरिएंटेड। समझ गुडू, प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। सो पहला प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स, भाई अपने को एंड रिजल्ट चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्रोमा में अगर आप जाओगे ना तो समझो आप कोमा में किसी के पास गए और उसको बोला कि भाई मेरे को एयर कंडीशनर खरीदना है, तो एयर कंडीशनर आपको पहले कोई बताएगा, फिर उसका मार्केटिंग कोई और करेगा, फिर उसका ऑर्डर प्रोसेसिंग कोई और करेगा, फिर उसके डिलीवरी के लिए आप किसी और को मिलोगे, ये सब सिस्टम हटा दो। अगर एक बंदे को आपने पूछा है क्रोमा में जाके या कोई भी विजय सेल्स ये सब कोई भी बड़े ब्रांड में जाके आप उसको पूछ रहे हो भाई मेरे को एयर कंडीशनर दिखा, वो एक ही बंदा आपको एयर कंडीशनर दिखाएगा, वो ही आपका बिलिंग करेगा, वो ही आपको सेल्स करेगा, वही आपका आफ्टर सेल्स दिखेगा, एवरीथिंग विल बी अराउंड 1%, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स। सेकेंड है हाउ दोज हु नीड द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस, मतलब अपना जो एम्प्लॉयज है उस एम्प्लॉयज को भी यूज करो, उनको भी अपने सजेशंस देने दो, सो दैट अगर देखो एम्प्लॉय लेवल पे है ना सबसे ज्यादा पता चलता है कि क्या अपने को इंप्रूवमेंट का जरूरत है। सो हैव दोस पीपल जिनको वो काम करना है उनसे सजेशन लो कि और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लाइन पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट्स, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज ICAI, अगर ICAI को कोई अनाउंसमेंट करना है तो वो क्या करता है, अनाउंसमेंट अपने वेबसाइट पे करता है जहां पे सब लोग से वो कनेक्टेड है। अगर ICAI बोलेगा नहीं हमको कोई अनाउंसमेंट करना है, हमको ये रीजनल कॉन्फ्रेंस है, वो रीजनल कॉन्फ्रेंस में जाके अनाउंसमेंट करके आएंगे तो क्या सबको पता चलेगा क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है, नहीं सर, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको आपका जो भी काम है ऐसे बताना है सो दैट एवरीबॉडी जो भी उसमें उससे कनेक्टेड है सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। सो इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे वो रिजल्ट बताएगा,
जो भी उसको अपना अनाउंसमेंट करना है, एवरीबॉडी विल कम टू नो अबाउट दिस. तो इसको बोलते हैं लाइनिंग पैरेलल एक्टिविटीज. सो जितनी भी पैरेलल एक्टिविटीज है ऐसे आप उसको अनाउंस करोगे, सो दैट सबको, स्टूडेंट को भी पता चल जाए, मेंबर को भी पता चल जाए, नॉन सीए को भी पता चल जाए, एक सेंट्रलाइज लेवल पे आइडियाज है. इंटीग्रेट द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन. देखो बहुत ज्यादा प्रोसेसेस मत रखो, ऐसा करो कि भाई दो तीन प्रोसेस रखो एंड उससे आपको रिजल्ट आना चाहिए. 10 प्रोसेस रखोगे फिर वो 10 प्रोसेस में उलझे हुए रहोगे, उससे अच्छा कीप लिमिटेड प्रोसेसेस एंड एंश्योर कि वो प्रोसेसेस से आपको रिजल्ट मिले. कैप्चर इंफॉर्मेशन वंस एंड एट द सोर्स. यानी अगर आपके पास समझो कोई ऑर्डर आ रहा है, समझो आप अमेजोन हो तो कोई एक आपके कस्टमर का ऑर्डर आया, वो कस्टमर का जैसे ही ऑर्डर आया आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो ही कस्टमर का ऑर्डर जो सप्लायर है उसके पास चले जाए, कस्टमर के पास जो भी जिसको डिलीवरी करना है उसके पास आ जाए. ऑटोमेटिकली देयर शुड बी अ कनेक्शन जहां से वो सप्लायर अपने साथ कोऑर्डिनेट कर ले, जो डिलीवरी मैन है उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो जाए, डिलीवरी मैन विल पिक इट अप एंड विल डिलीवर इट टू द एंड कस्टमर. ऐसा नहीं कि भाई आपने एक समझो कस्टमर से ऑर्डर आया फिर आप मैन्युअली उसको ट्रांसफर कर रहे हो सप्लायर को, आपके एक डिलीवरी पर्सन को दे रहे हो, देन इन दैट केस इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग कैप्चर्ड एट अ सेंट्रलाइज्ड सोर्स. सो क्या बोल रहे हैं, कैप्चर इंफॉर्मेशन वंस एंड एट द सोर्स. यानी एक बार इंफॉर्मेशन करो सोर्स पे, टेक्नोलॉजिकली इंश्योर कि जिस जिससे भी इसका कनेक्शन है सबके पास वो चीज पहुंच जाए. नेक्स्ट है पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म्ड एंड बिल्ड कंट्रोल्स इनटू द प्रोसेस. इसका मतलब जिसको आपने डिसीजन मेकिंग का पावर एंड अथॉरिटी दिया है, लेट हिम टेक द डिसीजन एंड देन फिर बाद में ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंट्रोल मेजर्स. जैसे इन केस ऑफ डोमिनोज उनका एक मार्केटिंग चीफ हेड था, उसको उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ही टर्न अराउंड, उसने सब डिसीजन लिया, कंट्रोल एस्पेक्ट अपने हाथ पे लिया एंड बीपीआर इंप्लीमेंट किया. लास्ट है ट्रीट ज्योग्राफिकली डिस्पर्स रिसोर्सेज एज दे वर सेंट्रलाइज. यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एचपी का, हेवलेट पैकर्ड. आप लोग ने एचपी कंप्यूटर लैपटॉप का नाम सुना होगा. तो एचपी ने एक टाइम पे क्या किया, अलग 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 अपने सेंटर सेटअप किए. सपोज उसने 50 सेंटर्स डिसेंट्रलाइज सेंटर सेटअप किए और वो 50 डिसेंट्रलाइज सेटअप को बोला कि भाई आपको जो भी लैपटॉप का कोई मटेरियल चाहिए, से आपको लैपटॉप का स्क्रीन चाहिए तो वो आप खुद ही मंगाओ आपके हिसाब से. सो इन दिस केस उन्हें क्या लगा, जो भी लैपटॉप की स्क्रीन थी वो सब, अभी समझो मैं एक उसका सेंटर हूं एचपी का, 50 सेंटर्स थे, एक मैं सेंटर हूं, मैं को 10 लैपटॉप की स्क्रीन चाहिए मैंने मंगा लिए, कोई दूसरा सेंटर है उसने 10 मंगा लिए, तीसरा सेंटर है उसने 10 मंगा लिए, चौथा सेंटर है उसने 10 निकाल लिए, उससे अच्छा क्या करो आप ये सबको जो डिस्पर्स किया उससे अच्छा एक सेंट्रलाइज लेवल रखो. सेंट्रलाइज लेवल पे 50 आपके सेंटर्स इंटू 10 मतलब आप टोटल 500 मंगाओगे तो आपको बल्क डिस्काउंट मिलेगा, बल्क डिस्काउंट मिलेगा तो आपका कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा. दिस इज वॉट यू शुड डू. सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम डिस्पर्स आप सेंट्रलाइज लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर दो, सेंट्रलाइज लेवल पे प्रोक्योरमेंट करो सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट, राइट. सो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर एंड लास्ट है मेजर स्टेजेस ऑफ बीपीआर. प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लो, क्या है प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लो उसको. अगर आपको लग रहा है कि भाई ये प्रोसेस में देयर विल बी सो मेनी प्रोसेसेस, आपको लग रहा है कि भाई खाली ये प्रोसेस में इश्यू है, उसको रीडिजाइन कर दो, रीअसेंबल करो बाकी सब के साथ, उसको कनेक्ट कर दो एंड फाइनली कीप ऑन रैशनलाइजिंग कि भाई आपने जो प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है वो बराबर है या नहीं. अगर कोई नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस है इमीडिएटली रिमूव इट. सो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन ईच टास्क परफॉर्म बिगिन री इंजीनियर्ड इज ब्रोकन डाउन इंटू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस. जिसको भी आपको री इंजीनियर करना है उसको ब्रेक डाउन करो एंड देन उसको एनालाइज करना चालू करो, फिर जिसमें भी आपको लग रहा है कमी है उसको रीडिजाइन कर लो, फिर अब जो रीडिजाइन है समझो 5 प्रोसेस है उसमें से 3 प्रोसेस को आप रीडिजाइन कर रहे हो, बाकी सबके साथ उसको रीअसेंबल करो. सो री इंजीनियर प्रोसेसेस आर इंप्लीमेंटेड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर एंड फाइनली कोई भी नॉन वैल्यू है या नॉन वैल्यू एडेड है उसको क्या कर दोगे आप, डिस्कार्ड कर दोगे. सो क्या है सिस्टम, मेजर स्टेजेस ऑफ बीपीआर का, प्रोसेस पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसको रीडिजाइन करो, रीडिजाइन होने के बाद रीअसेंबल करो एंड फाइनली यू विल रैशनलाइज ऑल द प्रोसेसेस. तो लास्ट स्टेप है आपका प्रोसेस रैशनलाइजेशन. आर वी एब्सोल्युटली क्लियर, वापस प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, रीडिजाइन, रीअसेंबली एंड रैशनलाइजेशन.
क्लियर। एक बार आपने ये सब कर दिया तो आपके स्टेजेस ऑफ बीपीआर हो गए। प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर एक बार आप वापस गो थ्रू कर सकते हो। ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम्स, मतलब क्रोमा का वो जो एम्प्लॉय था, एक काम कोई नहीं, एक ही एम्प्लॉय सब काम करेगा। सेकंड वाला जो है, हैव दोज हु नीड द रिजल्ट्स परफॉर्म द प्रोसेस, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर आप थोड़ा और रिलायबिलिटी कर सकते हो, उनसे सब काम करवाओ जो आपको लग रहा है, जहां से उनसे आइडिया लो क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लाइन पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग द रिजल्ट्स, आईसीएआई वाला एग्जांपल, एक जगह पे इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे दे देता है सबको, बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है। इंटीग्रेट द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू वर्क प्रोसेसेस, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस मत रखो, इंटीग्रेट कर लो सो दैट कम प्रोसेसेस रहेंगे, कम झंझट। कैप्चर इन्फॉर्मेशन वंस एट सोर्स, Amazon एक इंफॉर्मेशन आया सबको अपने आप हिसाब से उसको ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाना चाहिए। पुट द डिसीजन पॉइंट, जिसके पास डिसीजन का पावर है लेट हिम टेक द डिसीजन एंड मेक द कंट्रोल। ट्रीट ज्योग्राफिकली डिस्पर्स रिसोर्सेज वाला अपना एचपी का एग्जाम्पल, 50 सेंटर से अच्छा है एक सेंटर पे सब मंगवा लो और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ कॉस्ट एज वेल। लास्ट मेजर स्टेजेस ऑफ बीपीआर था आइडेंटिफिकेशन, रीडिजाइन, रीअसेंबली, रैशनलाइजेशन। बीपीआर के मेन पॉइंट क्या थे? फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, प्रोसेस सेटअप। ओके, इसी के साथ कंप्लीट होता है ये सेशन। सर, इसके बाद तो केस स्टडीज दिख रही है, उसके लिए मिलेंगे पार्ट टू ऑफ लीन थ्री में। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द विद आर केस स्टडीज एंड मास्टर क्वेश्चन सिनेरियो एज वेल। ओके, सो टाइम टू से हास्ता ला विस्ता गाइस। आई होप आप लोग को ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। डू शेयर इट इन द कमेंट्स, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर के लिए और एक मोटिवेशन मिलेगा आपको भी, मेरे को भी, एंड वी विल कंप्लीट द केस स्टडीज इन द सेम जोशफुल मैनर। चलो गाइस, सो देखो एक दो चीजें याद रखना कि यस, डेफिनेटली मैंने ट्राई किया यहाँ पे जितना हो सके मॉड्यूल का लैंग्वेज मैंने यूज किया है अपने नोट्स में, अपने बुक में, सो दैट इट बिकम्स हेल्पफुल टू यू। जब आप रिवाइज करोगे ना इसको, तो वो रिवाइज करते वक्त भी आप लोग सुनते रहना, मैंने वर्ड्स को बार बार ध्यान देके बोला है, वो वर्ड्स ध्यान रखना। आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने नोट्स में कहीं पे आपको चाहिए या बुक में कहीं पे चाहिए लिखते रहना, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू मैनेज। ऑलराइट, चलो भाई, एग्जेम्पशन चाहिए, मतलब चाहिए इस सब्जेक्ट में, राइट? सो उसके नीचे मानेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? एग्जेम्पशन SCMP। अस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।